Yes, good evening to all of you, friends. We'll start the class at 9 p.m. So, some four more minutes to go. <clears throat> 20 more seconds.

क्लास में कुछ भी डाउट आए एजुकेशनल तो आप डायरी में लिख दो क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लेना मंगलवार को सारे जवाब आ जाएंगे और गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में है अब अपना दूसरा प्रश्न है कि कल रात हम लोगों ने पिलर वन बी खत्म किया था मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये पांच में से कम से कम एक प्रश्न का जवाब लिखना सो नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन इज क्या आप लोगों ने कम से कम एक प्रश्न का जवाब लिखा है यस आई डिड या दूसरा नो आई कुड नॉट सो पोलिंग रिजल्ट्स आर 59 परसेंट बोल रहे हैं उन्होंने लिखा है सम 41 परसेंट आर सेइंग दैट नहीं लिखा है वेल well, अगेन मैं जो हर बार कहता हूँ फीस आपने भरी है परीक्षा आपने पास करनी है देन यू शुड मित्रों ये बारिश को ज्यादा ही हो रही है तो मैं जरा खिड़की दरवाजे बंद करता हूँ ताकि नॉइस में कम डिस्टर्बेंस आए जस्ट अमेंट All right, so let us start in the reverse order. मतलब question five, four, three, two, one ऐसे solve करते हैं पांचवा प्रश्न कुछ ऐसा था discuss in brief the reforms अशर्ड by the आत्मनिर्भर भारत package in provide in providing ease of credit। यानी आत्मनिर्भर भारत पैकेज द्वारा ऋण में आसानी के हेतु किए गए सुधारों के महत्व की चर्चा करें तो वहाँ पर आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम कि क्यों आत्मनिर्भर भारत पैकेज शुरू करना पड़ा क्योंकि कोरोना क्राइसिस और उसके बाद हमने इकोनॉमी को रिवाइव किया था उसके बाद बॉडी में आप लिखेंगे अलग अलग योजनाएं जिससे कि हमें लोन में आसानी हो गई और उससे हम कैसे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं वो वाली बात लास्टली द कंक्लूजन पार्ट कि हाँ ऐसा करने से इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेंगे सो इट इज इंपॉर्टेंट सो इंट्रोडक्शन आत्मनिर्भर का कोई भी इंट्रोडक्शन पूछा जाए वो हर बार एक ही रहेगा कि 2020 मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड 19 पैंडमिक के चलते नेशन वाइड लॉकडाउन शुरू किया था कोरोना महामारी से चलने से लड़ने के लिए देशव्यापी तालाबंदी बट ये लॉकडाउन के चलते इट अफेक्टेड द इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ एवरी वन फ्रॉम कारपोरेट कंपनीज टू कॉमन सिटीजन सबकी आजीविका को हानि हुई थी Therefore, to revive the economy, Prime Minister of india launched this atmanirbhar bharat stimulus package in 2020 may arthvyavastha ko भारत पैकेज ke liye isko launch अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए इसको लॉन्च किया And then, under the, this package, following reforms have been initiated for providing ease of loans ऋण या कर्जा लेने में आसानी हो इसलिए क्या क्या किया गया अब ये वाली चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो मैं सिर्फ इसका लिस्ट ही पढ़ूंगा अभी बाकी आप उसको ज्वाइन करके जवाब बना सकते हैं सबसे पहले आप जनरल पॉइंट में बात करें जनरल मतलब जो पूरी इकोनॉमी को असर करे ऐसी चीजें तो याद करो पिलर वन ए टू मोनिटरी पॉलिसी पेज फिफ्टी फाइव पर हमने पढ़ा था कि कैसे आर बी आई ने सी आर आर को कम किया तो लोनेबल फंड्स बढ़ गए हैं रेपो रेट सस्ते किए गए तो लोन सस्ते हो जाएंगे छः महीने तक लोन की भरपाई पर स्थगित किया मॉरेटोरियम सस्पेंशन डाल दिया अब इसका फायदा क्या है अगर आप उतने टाइम तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं भरते तो भी वो एनपीए में नहीं गिना जाएगा यानी कि उसके चलते आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है यानी वो सिविल स्कोर वगैरह जो कि आप फ्यूचर में लोन लेने जाते हैं तो वो आपका स्कोर देख के ये आदमी ठीक है कि नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे कि नहीं दे डिसाइड तो क्योंकि हमारा स्कोर ख़राब नहीं होगा छः महीने तक भले हम लोग लोन वापस नहीं करें सो इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ लोन इवन इन द फ्यूचर अब ईज़ ऑफ गेटिंग लोन्स की आप बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर या एक व्यक्ति उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी है तो कैसे आर बी आई ने वेज एंड मीन्स एडवांसिस लिमिट को बढ़ाया जिसकी मदद से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बोरो करना पैसा थोड़ा आसान हुआ फिर आप आगे बढ़े स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करें कॉरपोरेट सेक्टर एन बी एफ सी की मदद के लिए कुछ हुआ कि नहीं ऋण में सुविधा हाँ मॉनिटरी पॉलिसी में वो याद करो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन स्पेशल स्पेशल विंडो टू हेल्प द म्यूचुअल फंड कंपनीज फिर हमने वो बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर में देखा था कि कैसे वहां पर आई एल एफ एस क्राइसिस और उसके बाद पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एक अलग प्रकार की तरलता खास तरलता योजना करी गई क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाएंगे तो वो सब के चलते भी उन सबको लोन में आसानी होगी फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में आई फाई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स तो उनको भी आर बी आई ने करीब फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज का रीफाइनेंस में लोन दिया और वो भी नीचे पैसा और रीफाइनेंस में घूमेगा तो बहुत सारे लोगों को लोन मिल सकती है फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रीट वेंडर्स इन सबको ऋण में सुविधा हो इसके लिए क्या करना है वो हम लास्ट टू लेक्चर में वो स्ट्रीट वेंडर की स्वनिधि स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बीस लाख रुपए तक का लोन देंगे और मुद्रा के अंदर शिशु लोन है तो टू परसेंट इंटरेस्ट सब पेंशन तो उन सबसे उनको कैसे कैसे ऋण लेने में सुविधा हो सकती है उस पर आप थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो काम हो गया और ऐसा करने पर कैसे वो आगे और आगे बढ़ पाएंगे डिमांड क्रिएशन प्रोडक्ट जॉब रिवाइवल सब लिखते जाए यहाँ पर मिस्टेक ये हो सकती है कि कुछ लोग सिर्फ एक ही सेक्टर को फोकस करें कि सिर्फ एन का लिखे या सिर्फ एमएसएमई का नहीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है सेकंड ऐसा कोई भी जवाब है आत्मनिर्भर भारत वगैरह तो वहां पर कुछ आंकड़े मेंशन होना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए जिसके अंदर इतना आर द्वारा घुम रहा है या फिर कि आर इतना कम किया गया या कि ये शिशु लोन के अंदर टू इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करी गई

वो हर एक की टेक्निकल डिटेल्स में आप गए तो वो सब पंचायत करने में ही आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी और दूसरे जवाब के मुद्दे रह जाएंगे तो हर एक टर्म्स एंड कंडीशन लंबे लंबे लिखने की जरूरत नहीं एंड लास्टली कंक्लूजन कि हाँ आत्मनिर्भर भारत और उसके अंदर ईज ऑफ गेटिंग लोन्स के जो रिफॉर्म है यस दे विल हेल्प देविंग द इकोनॉमी द आत्मनिर्भर भारत फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग ईज ऑफ लोन्स किसके लिए गरीब लोगों के लिए एम एस एम ई कार्पोरेट सेक्टर एन बी एफ सी कंपनी एंड पब्लिक एट लार्ज एंड एज अ रिजल्ट ये सबको लोन मिलेगी डिमांड बढ़ेगी शॉपिंग की प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होगा सो दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल सर्टेनली हेल्प इन अ लॉन्ग वे टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोरोना पैंडामिक क्राइसिस तो बस ये हो गया जवाब इसमें क्रिटिसिज्म हमने कुछ नहीं लिखना है कि कैसे वो इसको लोन नहीं मिल रहा है या वो इकोनॉमी में और भी एंगल है जिसके चलते वापस ग्रोथ नहीं आ रहा है वगैरह क्रिटिसिज्म पूछा ही नहीं तो हमको लिखने की जरूरत नहीं द हिंदू कॉलमनिस्ट का रिक्रूटमेंट उसके लिए एनराम यूपीएससी के एग्जाम से उसको मेरिट लिस्ट में नहीं लेते उसकी अलग से वो इंटरव्यू और एग्जाम लेते हैं सो डोंट कंफ्यूज द टू जॉब्स आईएएस का लिखने को बोला था आईएएस लिखना है द हिंदू की कॉलम लिखनी हो तो अलग से लिखनी है सो दिस इज डन उसके बाद वाला प्रश्न 2016 मेंस पेपर में पूछा गया ये भी आसान है 2016 मेंस में पूछा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना

पागल ही होगा जो बोलेगा नो हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग हेलमेट पहन के भी जाए तो भी सामने वाला एक्सीडेंट कर सकता है तो उल्टी दिशा में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं जो पूछा है उसके लॉजिक में आप चलो कि हाँ ये सब जरूरी है प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग से वंचित लोगों को ऋण अदाय करने में या संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिए आवश्यक है क्या भारतीय समाज को गरीबी वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए इससे सहमत हैं आप अपनी राय को सही ठहराने के लिए तर्क दीजिए अब ऐसा कुछ भी प्रश्न पूछा जाए की क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना और दूसरा की है फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समोजेशन मतलब सभी गरीब लोगों को बैंक की सुविधा लोन की सुविधा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पेंशन इन सब की सुविधा मिलनी चाहिए तो आप सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करो और उसका डेफिनेशन सीधा पेज 173 पे दिया है वो लिख के आप उस हिसाब से बनाइए उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना का आप ये तो योजना है तो योजना की व्याख्या नहीं हो सकती उसका आप ओरिजिन दे सकते हैं कि ये वाले साल में या फिर कि ये वाले मंत्रालय द्वारा या फिर कि ये वाले टारगेट बेनिफिशियरी के लिए इसको लॉन्च किया गया सो इट वॉज लॉन्च इन दर टू थाउजेंड फोर्टीन फॉलोइंग फीचर्स क्या जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हैं रूपे कार्ड की सुविधा है फैसिलिटी भी मिलती है अपटू टेन थाउजेंड रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस बैलेंस हिस्ट्री तो थोड़े थोड़े मुद्दे लिखिए इसमें मित्रों बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री सभी टेक्निकल गाइडलाइंस लिखने की जरूरत नहीं कि आपको जो एक लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है वो एन करता है इसलिए हमने कम से कम इतने दिनों में एक बार कार्ड यूज करना चाहिए वगैरह वो सब इधर नहीं पूछा है टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखने गए तो बाकी की मेन चीज़ रह जाएगी सो सिंपली यू मैंशन द फोर फाइव से फीचर्स ऑफ दैट और फिर बॉडी पार्ट टू में आप समझाएंगे कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद कैसे मिलती है पहली तो मदद इसके चलते कि बैंक में सेविंग अकाउंट खुला है तो आपकी सेविंग हैबिट बढ़ती है बचत की आदत को वो प्रोत्साहन करता है क्योंकि आप जानते हैं मैं बैंक में पैसा रुकूंगा इतना ब्याज मिलता है सो नाउ पीपल गरीब लोगों को आदत बनती है सेकंड ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता फैलाएंगे ऐसा भी उसका उद्देश्य है तो गरीब लोग जो बैंक में अकाउंट खोला जाएगा उनका फिर वो कैंप रखते हैं वहां पर बैंक ऑफिसर उनको ब्रोशर्स देंगे उनको समझाएंगे कि और कौन कौन सी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना में लोन मिल सकता है स्टैंड अप इंडिया में आपको स्टार्टअप ग्रीनफील्ड के लिए लोन मिल सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन की फैसिलिटी के लिए योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फसल बीमा योजना ये सब आप खरीद सकते हैं अटल पेंशन श्रम योगी मानधन तो बैंक के ऑफिसर उनको सब ज्ञान देते हैं सेकंड ये जो अटल पेंशन श्रम योगी मानधन वगैरह योजना है उसके फीचर क्या होते हैं आपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देना है और फिर अपने बैंक अकाउंट से अपने आप सपोज अटल पेंशन का फोर्टी टू पर मंथ या ये श्रम योगी मानधन का सम फिफ्टी फाइव पर मंथ अपने आप कट होते जाएगा और आपकी पूरी चीज़ बिल्डअप होती जाएगी सो लाइक दैट ट फोलडेड इन टू लोन भी मिलेगा पेंशन भी इंश्योरेंस भी सब उसको मिल सकता है अब इसको थोड़ा और खींचने के लिए क्योंकि वर्ड लिमिट भी हमने फिलअप करनी है तो बैंक अकाउंट खुलेगा उस बात को तो हमने बोल दिया इसको हम वर्ड लिमिट में और कैसे आगे लिख सकते हैं जब आप भरने के लिए भी कुछ कंटेंट चाहिए तो आप फिर उल्टा थोड़ा लिख सकते हैं नेगेटिव टोन में कि अगर हेलमेट नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा सिमिलरली आप यहाँ पर लिखना शुरू करो इफ देर इज नो प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट तो क्या होगा वो पब्लिक पैसा सेव करने के लिए बैंकों में नहीं जाएगी तो उसको वो पौजी स्कीम और चीट फंड के नाम पर जो लोग स्कैम चला रहे हैं प्राइस चीट्स वगैरह वो उसका पैसा ले जाएंगे अगर उसको पता नहीं मुद्रा योजना वगैरह सब है उसकी कभी बैंक में जाने का ही नहीं हुआ तो वो मनी लैंडर इनफॉर्मल मनी लैंडर श्रॉप साहूकार बनिए से पैसा लेगा डेथ ट्रैप में फंस जाएगा फार्मर सुसाइड कर लेगा बच्चे चाइल्ड लेबर में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन ये सब फैमिली में प्रॉब्लम आ सकते हैं नाइनटीन सिक्सटीज टू सेवेंटीज में हम पाते हैं कि जापान साउथ कोरिया और यूएसए एस यहाँ पर उनकी सरकारों ने ऐसी कोशिश करी कि सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुले जाएं, जिसकी मदद मतलब से उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन सोशल हारमोनी वुमेन एम्पावरमेंट वो बेहतर है फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका हो गया जिसके चलते फायदा क्या है सपोज़ यूएसए तो वहां पर आप जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको भी सरकार थोड़ा कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की राहत देती है तो वो सारा पैसा अगर आपके बैंक में जा रहा है देन उसकी मदद से थोड़ा आप कुछ आसानी से जी पाएंगे तो ये जो चाइल्ड लेबर ह्यूमन ट्राफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन ये सब चीजें बढ़ती है तो उससे सोशल हार्मोनी सामाजिक सौहार्द कम होता है तो वहां पर वो चीजें कम रहे महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है सेम वे हमने ये जो जनधन अकाउंट लॉन्च किया है उसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात कर सकते हैं जो अभी थोड़ी आगे वाली स्लाइड में आएगा मिस्टेक यहाँ पर क्या हो सकती है कुछ लोग क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं कि कैसे सब बिजनेसमैन ने नोटबंदी के बाद अपना ब्लैक मनी का पैसा अपने ड्राइवर और गार्डनर के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया था तो प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट तो मिस हुए हैं वगैरह भाई वो आपको किसने पूछा है कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं नॉट आस्ट तो ये जनधन का महत्व भी देख लिया अभी और ऊपर बढ़ते हैं थर्ड आयुष्मान भारत हाउ इज आयुष्मान भारत पी एम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज Identify the fiscal एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन their इम्प्लीमेंटेशन ये जो अभी शुरू हुआ वो केंद्रीय प्रायोजित दूसरी बीमा योजनाओं से अलग कैसे है और इसे लागू करने में आने वाली वित्तीय प्रशासनिक चुनौतियों को चिन्हित कीजिए तो इसका इंट्रोडक्शन उसमें आप क्या देंगे डिफाइन ओरिजिन डेटा तो अब ओरिजिन और डेटा की कुछ बात कर सकते हैं कि कैसे गरीब लोग अगर बीमार होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता तो उनका सेविंग का पैसा उसमें चला जाता है और वो और वो गरीब हो जाते हैं वगैरह तो पेज 158 पर जो मैटर आपको दिया इंट्रोडक्शन सीधा उसको छाप दो फिर बॉडी पार्ट वन में आपने लिखना है कि वो प्रीवियस स्कीम से अलग कैसे जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन को और थर्टी थाउजेंड देंगे वो सब वाली योजनाओं में प्रॉब्लम क्या थी उसमें इंश्योरेंस अमाउंट बहुत कम था अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज यहाँ पर पांच लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सेकंड वो जो प्रीवियस स्कीम थी उसमें ऐसी कुछ बात थी कि एक फैमिली में पांच लोगों को ही कवर करेंगे यहाँ पर तो घर में बारह बच्चे हैं तो उसको भी कवर कर लेंगे एंड मोर नंबर ऑफ फैमिलीज आर कवर्ड आप जानते हैं ग्रामीण इलाकों में कुछ आठ करोड़ शहरों में कुछ दो करोड़ दस करोड़ फैमिलीज को उन्होंने कवर किया है बॉडी पार्ट टू में चैलेंजेस पूछे गए वॉट आर द फीजल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस तो वो पेज वन पर सब लिखा है वो छाप दो कैसे राज्य सरकार सरकारी संघवाद और पैसा चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं और गांव गांव में अस्पताल की और संचार की सुविधा नहीं तो इवन इफ यू हैव डॉक्टर्स तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकते वगैरह एंड लास्टली कंक्लूजन कंक्लूजन में क्या लिखना है वो पेज वन में दिया है वो छाप दो तो काम हो गया यहाँ सब गरीबों से गरीबों को मदद करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जरूरी अनदर क्वेश्चन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन डेडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इनमरेट द नोटेबल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन में फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा के महत्व पर चर्चा करें इस संबंध में राज्य सर इस संबंध में सरकार के उल्लेखनीय कदमों की सूची दीजिए अब यहाँ पर भी इंश्योरेंस क्यों महत्व है तो हम उसमें भी कुछ ओरिजिनल डेटा दे सकते हैं कि गरीब लोग कैसे गरीब हैं और उसमें हमें इंश्योरेंस कैसे मदद कर सकता है मित्रों हम लोग सिक्स पिलर में पॉवर्टी के बारे में और पढ़ेंगे क्यों गरीब लोग गरीब होते हैं और उसको कैसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट क्या है तेंदुलकर मेथड क्या है वगैरह अभी के लिए तो हम लिख सकते हैं डेटा कि मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे हैं मेजोरिटी ऑफ़ दम लिव इन द रूरल एरियाज ग्रामीण इलाके में उनमें से ज्यादातर लोग रहते हैं इंश्योरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिफ्टिंग फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी इंश्योरेंस का क्या महत्व है उसको गरीबी से बाहर निकालने में तो यहाँ पर आप नेगेटिव सेंस में बोलना शुरू कर दो कि ये नहीं होगा तो वो और नीचे गरीब हो जाएगा जबकि होगा तो ऊपर आ सकता है सो सपोज इफ देर इज नो इंश्योरेंस तो क्या होगा क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है तो फार्मर की जब फसल बर्बाद होगी तो वो अपनी पुरानी लोन को रिपे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं वो नए क्रॉपिंग साइकिल के लिए कुछ इनपुट सीड फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाएगा उसने इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास जाना होगा और फिर उसके ऊपर वो छत्तीस टका कंपाउंड ब्याज चार्ज करेगा तो डेड ट्रैप और फार्मर के सुसाइड आत्महत्या के केस बढ़ जाएंगे मित्रों ये भारी बारिश के चलते इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई वापस अभी कनेक्ट कर हो रहा है ये हर जगह बराबर से सिंक हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों मैं नाइन ट्वेंटी फाइव यानी अब से करीब दो या तीन मिनट बाद इसको मैं वापस पढ़ाना शुरू करता हूँ राइट तब तक सब लोगों का वापस रिफ्रेश हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो आप भी अपने कीबोर्ड पर वो कंट्रोल आर प्रेस करके लेट इट गेट सिंक्ड ठीक है नाइन ट्वेंटी फाइव को हम वापस शुरू करते हैं सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट इसको शुरू करते हैं हम लोग एट नाइन ट्वेंटी फाइव One more minute, thirty more seconds. 30 सेकंड के बाद मैं एक कॉलिंग करूंगा कि आप लोग मुझे देख और सुन सकते हैं कि नहीं और फिर हम लोग पढ़ना वापस शुरू करेंगे

हम लोगों ने एक प्रश्न तो कंप्लीट किया था ये आत्मनिर्भर भारत और उससे लोन में आसानी फिर हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीबों को मदद मिलती है उसको देख लिया तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा था कि आयुष्मान भारत होगा तो उससे क्या फ़ायदा है और वो प्रीवियस स्कीम से अलग कैसे और क्या चुनौतियां हैं तो वैसे उसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं आयुष्मान भारत जो योजना है इंट्रोडक्शन में पेज वन छापना है पिछली योजनाओं से कैसे अलग तो उसमें इंश्योरेंस अमाउंट ज्यादा है पहले जो पुरानी योजनाएं थी स्वास्थ्य बीमा योजना वगैरह कुछ तो थर्टी थाउजेंड था इधर पाँच लाख है फैमिली साइज पहले थी कि पाँच लोग ही कवर्ड थे एक फैमिली में इधर ऐसा कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ फैमिलीज ऑल्सो समेन करोड़ फैमिलीज कवर्ड चैलेंजेस तो वो पेज वन पे जो लिखा है वो छाप दो कंक्लूजन वन में जो है वो छाप दो काम हो गया है तो जन आरोग्य योजना पाँच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म फिर उसके बाद का प्रश्न था कि क्रॉप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होंगे तो रूरल पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं और इस बारे में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसमें मैं आपको बता रहा था कि वैसे सिक्स पिलर में आप आराम से पढ़ेंगे कि गरीबी क्या है कितने लोग गरीब हैं अभी के लिए डेटा याद रखें कि मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन भारत की बीस प्रतिशत से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है एंड मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो इंश्योरेंस बहुत महत्व का है अगर वो गरीब रहेंगे या गरीबी से बाहर आएंगे हाउ एग्जैक्टली तो आपने फिर बॉडी के अंदर शुरुआत में महत्व समझाइए क्योंकि प्रश्न ऐसा बोलता है क्रॉप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या महत्व है गरीबी उन्मूलन में तो नेगेटिव बोलना शुरू करो हेलमेट नहीं पहना होगा तो हमारा सड़क दुर्घटना में मौत हो सकती है सिमिलरली यहाँ पर बोली इफ़ देर इज नो क्रॉप इंश्योरेंस तो फार्मर की अगर फसल बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ ड्रॉट ऑल नीनो या कोई भी हेल्थ स्ट्रॉम या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई देन ही विल नॉट बी एबल टू रीपे प्रीवियस लोन्स और उसको फ्यूचर में जो सीड फर्टिलाइजर खरीदने उसके लिए भी उसको पैसा उसके पास नहीं होगा इन दैट केस अगर क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है ये सब लॉस कवर करने के लिए तो वो किसान ने इंफॉर्मल मनी लैंडर श्रॉप साहूकार बनिए के पास जाना होगा जो उसको बहुत डेट रेप मतलब लोन के विष चक्र में घुमा देगा एंड अल्टीमेटली फार्मर मेंसाइड सो देर फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड सपोज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप बीमार हो गए तो सेविंग का पैसा डॉक्टर की फीस में चला जाएगा फैमिली विल बी फोर्स्ड इन टू डेस्टीट्यूशन बैगिंग डेथ ट्रैप प्रोस्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर बीमार हो गए बहुत सारा पैसा चला गया तो फिर बच्चों को भी स्कूल की पढ़ाई छोड़ के उन्होंने कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी तो वो ऐसा बच्चा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो कभी खुद से गरीब से क्या बन सकता है द आंसर इज नॉट पॉसिबल वो गरीब से आगे अमीर नहीं बन सकता सो बॉडी पार्ट वन में आप नेगेटिव सेंस में बोलेंगे कि इस कारण से महत्व का है क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी देन बॉडी पार्ट टू में आपने लिखना है कि गवर्नमेंट ने क्या नोटेबल स्टेप्स उठाए हैं क्रॉप इंश्योरेंस के लिए फसल बीमा योजना है उसके अलावा वेदर बेस्ड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम है फिर अगर आपने वर्ड लिमिट फिलअप करने में थोड़े कम शब्द हो रहे हैं तो आप ये फसल बीमा योजना के 2020 ईयर में थोड़े जो रिफॉर्म्स लिए गए उसके बारे में कुछ और लिखिए ये काम भी हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में क्या किया गया हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर सरकार ने क्या कदम उठा है तो उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फाइव लाख रुपीज पर फैमिली गरीबों को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं उसके भी आप थोड़े फीचर लिखिए कैसे वो कैशलेस है वो पूरा डेटा पोर्टल है वगैरह आठ करोड़ से ज़्यादा रूरल फैमिली को कवर किया गया है मित्रों यहाँ पर भी आपने जवाब में यू हैव टू एनरीच द आंसर विद सम डेटा कि पाँच लाख रुपए का पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से सर्वे किया और कुछ दस करोड़ फैमिलीज को कवर किया जिसमें आठ करोड़ या इतनी कुछ फैमिली रूरल एरिया में है क्योंकि जो सीनियर प्लेयर होंगे दो तीन बार से मेन्स लिख रहा है वो हमेशा अपने जवाब में ऐसा डेटा डालते रहेंगे तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में लोग आप लोग जवाब लिख रहे हैं और आपने डेटा नहीं डाला तो वो इवेल्यूएटर को और ज़्यादा पथेटिक लगता है क्योंकि उसने पहले पाँच कॉपीज देखी हो जिसमें अच्छे अच्छे डेटा डाले और आपने नहीं डाले प्रब्लम बेशक इकोनॉमी के अंदर सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कोई भी जगह कुछ भी एक भी आंकड़ा नहीं लिखना है भाई ऐसा भी ये कोई चीज़ नहीं है मुंगेरी लाल की यू हैव टू मेमोराइज सम थिंग्स आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी कुछ आप जिक्र कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पर ई की डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया गया एन्यूअल हेल्थ चेकअप सोशल सिक्योरिटी फॉर द इनफॉर्मल वर्कर्स अब ये सब रिफॉर्म के चलते डिपेंडिंग ऑन हाउ many इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज गाँव में जितने उद्योग होंगे जितने गरीब लोग काम करते होंगे उस हिसाब से हो सकता है कुछ और रूरल पीपल भी हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी ई एस वाली उसका उनको लाभ मिले प्रश्न में डायरेक्टिव वर्ड्स क्या हैं? क्रॉप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और वो भी रूरल पुअर के लिए तो उनकी बात करिए फिर आप जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना में चले जाए भाई वो मृत्यु पर पैसा देते हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा नहीं देते हैं सो दैट इज नॉट आस्ट अटल पेंशन श्रम योगी मानधन वो सब पेंशन देते हैं इधर हमारा प्रश्न है क्रॉप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो सो डो नॉट कंफ्यूज द स्कीम्स जो जहाँ पर लिखना है वो लिखना है एंड लास्टली द कंक्लूजन कंक्लूजन के अंदर आप यहां पर यू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर सकते हैं जो असल में हम लोग सिक्स फिलर में पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने कुछ तय किए कि कुल मिलाकर इतने करीब सेवनटीन गोल्स हमने ट्वेंटी थर्टी दो हजार तीस तक अचीव करने हैं जिसके अंदर गोल नंबर वन है नो पॉवर्टी यानी रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम एवरीवेयर तो उसके लिए इंश्योरेंस का महत्व है हमने देखा गोल नंबर थ्री कहता है इंश्योर हेल्थी लाइव एंड प्रमोट वेल बींग एट ऑल द एजेस तो हेल्थी लाइव के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आदमी बीमार भी पड़ेगा तो उसको मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा वो मेरा पैसा ले लेगा ये सोचकर वो बीमार का बीमार रहेगा बट दवाई लेने नहीं जाएगा तो उसकी हेल्थी लाइफ हो नहीं सकती देन गोल नंबर टेन रिड्यूस द इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री असमानता को कम किया जाए भाई अगर इंश्योरेंस नहीं होगा किसी के पास तो वो गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा अगर उसकी फैमिली में कोई मर जाता है वह वो, वो बीमार हो जाता है एंड कंसिडरिंग ऑल दिस एंगल्स क्रॉप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल in uh, playing this uh, important role in sustainable development goals. So we are done with second question as well, crop insurance, health insurance clear. Now, the first question that is importance of financial inclusion and social security for sustainable development goals. So the question is explain the significance of financial inclusion and social security. अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया भारत के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय समोवेशन और सामाजिक सुरक्षा का महत्व क्या है समझाइए अगेन ये सिक्स पिलर में हम लोग एसडीजी को आराम से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेज में आने की जरूरत नहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समोवेशन मतलब क्या सब गरीब लोगों को बैंक की लोन की पेंशन की इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट असिस्टेंस जहाँ पर हैंडी आदमी है पुअर आदमी है बुजुर्ग है बेरोजगार है तो वो सभी लोग उनको कहीं ना कहीं कुछ पेंशन इंश्योरेंस ये सबकी फैसिलिटी देना इन दोनों की मदद से हमें मदद कैसे मिलती है अगेन वो सही वापस सभी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके अंदर पहला गोल है कि रिमूव पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर तो आप बैंक अकाउंट होने चाहिए लोन इंश्योरेंस पेंशन ये सब की जरूरत है थर्ड गोल जो कि कहता है हेल्दी लाइफ तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है फिफ्थ गोल अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल द वीमेन तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या मुद्रा लोन स्टैंड अप इंडिया सुकन्या समृद्धि एस को लोन दिया जाएगा उनको ओवर की फैसिलिटी मिलेगी ये सारी चीजों से मदद मिलती है

एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन कि हाँ यू एंड एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये सब चीज़ें हैं रिक्वायर सेक्स एंड देयर कोर वाई हेल्प्स इन दिस रिगार्ड करके आप जस्टिफाई करेंगे यानी प्रश्न कुछ ऐसा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी की मदद से हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है जवाब का इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है फिर बॉडी में आप फाइनेंशियल इंक्लूजन से एस में कैसे मदद मिलती है उसकी बात करो बॉडी पार्ट टू में आप बोलो सस्टेन आ, सोशल सिक्योरिटी क्या है और फिर सोशल सिक्योरिटी की मदद से एस में कैसे मदद मिलती है लास्टली कंक्लूजन कि हाँ मदद मिलती है दोनों से या फॉर्मेट टू आप लिख सकते हैं कि एस गोल क्या है वो आप पहले व्याख्यात करें फिर आप प्रूव करें फाइनेंशियल इंक्लूजन सोशल सिक्योरिटी से कैसे मदद मिलती है लास्टली कि हाँ उनसे मदद मिलती है या फॉर्मेट थ्री कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन सोशल सिक्योरिटी एस तीनों को पहले लिख दो फिर प्रूव करते जाओ लास्टली कंक्लूजन की हाँ मदद मिलती है ये फॉर्मेट वन टू थ्री कुछ भी लिखो वो सब बराबर ही है उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि आप लॉजिकली प्रूव करें कि हाँ ये चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे मदद मिलती है और आपने कुछ स्कीम्स का नाम लिखना भी यहाँ पर जरूरी है जब आप बात करें सोशल सिक्योरिटी की तो सोशल सिक्योरिटी मतलब कि आप अपाहिज हो जाए आप मर जाए आप बेरोजगार हो जाए और कोई आप, कोई आपको या आपकी फैमिली को पैसा दे भले आप चाहे कितने गरीब हो या कुछ तो सोशल सिक्योरिटी में आप बात करते हैं ईपीएफओ ईएसआईसी एस अटल पेंशन श्रम योगी मानधन फिर इंश्योरेंस जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना वगैरह की सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू डिस्कस सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय वो पूरी चीज़ अलग है सामाजिक न्याय में हम लोग बात करते हैं विमेन एस सी माइनॉरिटी वीकर सेक्शन उन सब का उत्थान करना और उत्थान कैसे करेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस विद इन द सोसाइटी जिसके लिए जॉब में रिजर्वेशन देना स्कूल कॉलेज एडमिशन में रिजर्वेशन इलेक्शन के लिए उनकी कुछ सीट्स को आ, आरक्षित करना ये सब चीज़ों की बात आप करेंगे जब सोशल जस्टिस के बारे में पूछा जाए फिर उधर पेंशन इंश्योरेंस की भी पूरी नहीं बजानी एंड सोशल जस्टिस का मतलब ये भी है कि वहां पर सिविल राइट्स नागरिक हकों की रक्षा की जाए जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट एस सी एस लॉज पर्सोनल लॉज मतलब मैरिज डाइवोर्स एडोप्शन ऑफ चिल्ड्रन इनहेरिटेंस, विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसमें माँ को हिस्सा मिलेगा कि नहीं बेटी को हिस्सा मिलेगा कि नहीं वो सब बातें तो उसमें ट्रिपल तलाक इनहेरिटेंस, एडोप्शन ये सब की बात करेंगे वो सब होने से फिर सोशल जस्टिस होता है फिर वो सब पॉलिटी गवर्नेंस वो सब बातें हैं तो हियर इट इज नॉट आस्ड इन द इकोनॉमिक क्वेश्चन तो कुल मिलाकर हमने ये सब प्रीवियस वन डी की मेन्स आंसर राइटिंग के बारे में कुछ देखा अब हम लोग वापस रिज्यूम करते हैं दैट इज इकोनॉमी और उसका पिलर टू बजट बजट की भी पढ़ना शुरू करते हैं बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड तो पिलर टू बजट पब्लिक फाइनेंस ये सब के अंदर कल रात हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिजल पॉलिसी फिर हमने बजट में प्रेजेंट होने वाले तीन डॉक्यूमेंट्स देखे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन फंड है वो देखा और उस उसके अलावा एक पी एम केयर्स फंड बनाया गया कोरोना क्राइसिस के दौरान उसके बारे में हमने पढ़ाई करी फिर मैंने आपको कहा था ये सब पढ़ के आना सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इंट्रीम बजट क्या है वोट ऑन अकाउंट क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे पांच डिपार्टमेंट है वो क्या काम करते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या होता है दैट वी विल सी और उसके बाद हम लोग टैक्सेशन में आगे बढ़े लेकिन आगे बढ़ने से पहले ट्राई दिस क्वेश्चन फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट इन पार्लियामेंट जिसके अंदर स्टेटमेंट वन फाइनेंस बिल इज पास्ड बिफोर पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल पहले वित्त विधेयक पास होता है उसके बाद विनियोग वी विधेयक पास होता है आर्टिकल वन टू वन एक सौ रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोकसभा एंड राज्यसभा हैव अनइक्वल पावर्स इन पासिंग द बजट दोनों के पास असमान प्रकार की शक्तियां हैं ऑप्शन आर ओनली वन एंड टू ओनली थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली टू या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आपका टाइमर शुरू होता है अब मयंक भास्कर मनीष गौरव पुष्पेंद्र अर्चित अदिति आशीष रागिणी कृष्णा लीला सईद फरहान किशन अथीरा रजनीश ब्रोज स्मैश, राव, शशिकांत सृष्टि स्वाति काजल शिवरंजनी दीपाशी, संतोष शिवम प्रियंका मोहम्मद अविनाश आकाश एच रूप कुमार, रॉकी विष्णु समीर अविनाश मुर्तजा दीपाली सौरव मुदिराज नटराज अपराजिता गुरदिल साक्षी कुश अतुल प्रतीक अंकित ये सब लोगों ने करेक्ट किया कुछ और लोगों ने भी सो फोर्टी थ्री परसेंट इन बी एंड फोर्टी थ्री इन सी लेट चेक फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमने सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि कैसे छह स्टेज में बजट को पास किया जाता है तो वो सीक्वेंस के अंदर लास्ट वाला स्टेज क्या था यह था और ये तो अप्रोप्रिएशन वो तो मेरे ख्याल से फिफ्थ स्टेज था तो यहां पर ऐसा लिखा कि ये वाली चीज पहले करते हैं ये वाली चीज बाद में करते हैं दैट इज रॉन्ग सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि वन टू वन में ऐसा लिखा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखो ऐसा तो नहीं लिखा है वो तो वन वन टू की बात है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड देन थर्ड स्टेटमेंट जो कि ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के पास जो पावर है वो अनइक्वल है असमान है मतलब एक के पास ज्यादा दूसरे के पास कम है तो राजे, हाँ राज्यसभा के पास बजट पासिंग के पावर कम है बात सही सो करेक्ट स्टेटमेंट हमको पूछा गया तो करेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ ओनली थ्री यानी बी ऑप्शन इज द आंसर अनदर क्वेश्चन फाइंड इनकर एक स्टेटमेंट्स अबाउट पी एम केयर्स फंड ये पी एम केयर फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स कोविड नाइन्टीन असिस्टेंस एंड रिलीफ स्कीम फंड स्टेटमेंट टू फॉरन डोनेशन आर नॉट अलाउड विदेशी दान वर्जित है पार्लियामेंट हैज़ नॉट अप्रूव एनी बजटरी सपोर्ट फॉर दिस फंड इसमें पार्लियामेंट के द्वारा बजट से कुछ पैसा नहीं दिया गया और आपके ऑप्शन हैं ओनली वन एंड टू ओनली थ्री ओनली वन एंड थ्री या ओनली टू या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आपका टाइमर शुरू होता है अब विभोर शुभम अमृता रश्मि महक श्रेयांश मैत्रई गौरव प्रिंस मणिकांत सुभद्रा रविराज आदित्य अक्षिता शिवम गुरसिमरन आकाश देवाशीष मेहुल अभिमन्यु सुशांत आयुषी जितेंद्र गुरदिल विजेंद्र वेंकटेश मनीष ज्योति अनिश श्रेयांश दिवाकर गुलशन नवदीप अभिषेक काजल सनिका संतोष उत्कर्ष अर्चना अभिलाष आर्यन मुर्तजा अंबुज अनुज आहान मिलन शुभम सोनल ज्योति ज्ञान मीनाक्षी विक्रम चित्रंजन, चंदन ऋषि जबीन अमित अतुल वर्षिका शुभम आशी उज्जवल। मित्रों आज कुछ प्रॉब्लम लगती है ये अपने आप ही बंद हो जाता है इसमें वो बटन एक होता है शो रिजल्ट जिसकी मदद से आपको वो रिजल्ट दिखता है कि ये नंबर वन पर है बट फॉर सम रीज़न वो आज मुझे डिस्प्ले नहीं करा वो बटन दबाने का ऑप्शन खैर वो बाद में देखते हैं लेकिन वोटिंग में पता चला कि 54% परसेंट को लगा कि आंसर शुड बी ए, अस चेक फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है पहला तो फर्स्ट स्टेटमेंट की पीएम एम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स कोविड 19 नहीं भाई केयर्स और वो सब वर्ल्ड एसोसिएशन से तुक्का मार सकते हो कि कोरोना का होगा बट उसका फुल फॉर्म ऐसा है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी तो केयर्स में सी का मतलब कोरोना या कोविड नहीं है यानी पहला स्टेटमेंट गलत है जो लोग ऐसी बड़ी हाई प्रोफाइल न्यूज आइटम के फुल फॉर्म याद नहीं रखे उनको गब्बर सिंह वाला दिखा रहे फॉरेन डोनेशंस आर नॉट अलाउड वो भी वाक्य गलत है विदेशी दान भी वो एक्सेप्ट करते हैं अब कार्य है थर्ड स्टेटमेंट पार्लामेंट हैज़ नॉट अप्रूवड एनी बजेट अरी सपोर्ट फॉर दिस फंड वो बात तो सही है पार्लामेंट ने बजट से एक पैसा इनको नहीं दिया है सो द क्वेश्चन इज फाइंड इन करेक्ट स्टेटमेंट तो इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ओनली वन एंड टू क्योंकि थर्ड तो करेक्ट है सो देर फोर अवर आंसर इज वॉट ए सो अगेन जो लोग डायरेक्टी वर्ड को फोकस ना करें और दिमाग में सही समझ रहे हैं चीज़ों को बट यहाँ गलत जवाब आ जाए वो बराबर रहे सो अराउंड फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ यू आर राइटिंग द राइट आंसर तो बाकी सब लोग वो क्यों गलती कर रहे हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आप और ज्यादा अलर्ट रहिए फालतू के जीके टाइप के एक तो है। इतना तो फैक्ट याद करके जानी चाहिए और डायरेक्ट में तो कभी गलती होनी नहीं चाहिए so मित्रों भारत का वित्तीय वर्ष क्या है April टू मार्च यानी फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है इकतीस मार्च को खत्म होता है तो पूरे साल में कितना टैक्स भरना है बजट में जो जो अनुमति मिली है वो इस हिसाब से ये साइकिल पर चलती है अप्रैल टू मार्च और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी अपनी बजटिंग सिस्टम ऐसी फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च थी तो भारत में उन लोगों ने भी यही चीज को लागू किया आजादी के बाद हम लोगों ने उसी को कंटिन्यू किया दिस अगेन गॉट डिसकनेक्टेड वापस रिकनेक्ट हो रहा है So I will just wait for some time. मित्रों एग्जैक्टली एज नाइन कितने गया फिफ्टी फोर पर मैं एक पोलिंग करूंगा कि आप मुझे देख सकते हैं कि नहीं फिर इसको रिज्यूम करते हैं बारिश के चलते इंटरनेट में कुछ गड़बड़ हो रही है आज हम्म क्विकली अ स्मॉल पोल कैन यू सी मी कैन यू हेयर मी क्या आप मुझे देख सकते हैं सुन सकते हैं अर्पित अश्विन सौरभ मोहम्मद निमिश ज्योति एंड अदर्स द आंसर इज यस सो विल स्टार्ट कहीं पर दिक्कत आ रही है तो कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करें जैसे मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है शायद आपका भी दे रहा होगा बारिश के चलते डोंट वरी ये सब रिकॉर्ड होते रहता है तो बाद में आप इसको वापस एक्सेस कर सकते हैं हाँ तो ये सवाल हमने देखा पी एम केयर्स वाला उसके बाद प्रश्न ये था कि भारत का फाइनेंशियल ईयर ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है तो मतलब हमने पूरे साल में कितना टैक्स भरना है गवर्नमेंट को ये अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल ये सब की मंजूरी अप्रूवल कितने टाइम पीरियड के लिए मिला है वो सब तय होता है फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी मार्च अब ऐसा क्यों है क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने में वो ऐसा करके गए थे उनकी अपनी सिस्टम थी कि फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च आज़ादी के बाद हमने उसको कंटिन्यू रखा लेकिन फिर 2016-17 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक शंकर आचार्य कमेटी बनाई उसको पूछा कि क्या हमने इसको चेंज नहीं करना चाहिए कि अप्रैल मार्च को छोड़ के क्यों ना हम ऐसा करें कि जनवरी टू डिसम्बर फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट जैसा कैलेंडर चलता है वैसा ही फाइनेंशियल ईयर चलाएं या फिर क्यों ना इसको ऐसा करें कि रबी सीजन खरीब सीजन के हिसाब से कुछ अक्टूबर नवंबर में सीजन को फाइनेंशियल ईयर को एडजस्ट करें क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उससे हमको ज्यादा बेहतर अंदाजा आएगा कि अपने को टैक्स में कितना कलेक्शन आएगा या एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी क्योंकि भारत की इकोनॉमी आप जानते हैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे आर सम कनेक्टेड विद द रूरल थिंग्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर तो रबी सीज़न खरीफ सीजन उसमें कितनी पैदावार हुई उस हिसाब से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा लोग कितना स्पेंडिंग करेंगे कितना टैक्स में पैसा आ सकता है तो हम उस हिसाब से हमारा मान लीजिए अक्टूबर टू नवंबर नेक्स्ट ईयर या फेब्रुवरी या जनवरी ऐसा कुछ बना के रखे तो वो फाइनेंशियल ईयर अपने लिए सही होगा ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए शंकर आचार्य समिति बनी उसके बाद 2017 में उसने रिपोर्ट भी दिया लेकिन सभी स्टेट्स फेवर में नहीं थे कि हम लोग ये अप्रैल मार्च को छोड़ के जनवरी दिसंबर सिस्टम अपनाएं तो सबने सॉफ्टवेयर अकाउंट कीपिंग वो सब प्रैक्टिसेस को चेंज करना होगा और उसमें जितनी चुनौतियां आएंगी दे आर आउट द बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे कम नुकसान और चुनौतियां ज़्यादा थी इसलिए सरकार ने तय किया इसको हम एम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यानी टू में ये तो डेड टॉपिक खत्म हो गया तो इस पर और पी करने का कोई मतलब नहीं है उस जमाने में इसका मैंने वीडियो बनाया था कि ये करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने पर बट अब मैं ही कह रहा हूँ ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इट इज़ अ डेड टॉपिक बीच में कोरोना क्राइसिस के दौरान हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टैक्स फाइलिंग की डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया था फिर कुछ और कानून थे वो डिलेड रूप से लागू किए जाएंगे ऐसा सब बोला गया तो उसके चलते बाजार में फेक न्यूज़ शुरू हो गई

ये बेटा है और उसने अपनी टी शर्ट पे लिखा है रैकलेस मतलब ये खुद तो कुछ कमाता नहीं होगा ही मस्ट बी लिविंग ऑन हिज फादर्स मनी अब वो अपना मोबाइल के अंदर बैलेंस चेक करता है स्टार वन टू थ्री बैलेंस कुछ उसको दिखाता है योर टॉक टाइम वैलिडिटी एक्सपायर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सो बिकॉज ही इज अ रेकलेस पर्सन तो खुद से कमाता नहीं वो क्या बोलेगा पापा मुझको टेम्पोररी पॉकेट मनी दे दो मेरे को मोबाइल रिचार्ज करना है तो ये वोट ऑन अकाउंट इंटरीम बजट ये कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ मिलती सो वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि कांग्रेस राज में कांग्रेस राज में सिस्टम कुछ ऐसा था कि वहाँ पर बजट फेब्रुआरी महीने में ही प्रेजेंट करते थे बट फेब्रुआरी के चौथे वीक में प्रेजेंट किया जाता था एंड सपोज ईयर इज 2012 अब क्योंकि बजट के अंदर तो हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेट मेंशन नहीं करेगी ये वाली तारीख कोई बजट रखना है बट साल में एक बार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है वो सब बातें सो देट सिस्टम वाज कि फेब्रुआरी के लास्ट वीक फोर्थ वीक में हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे पार्लियामेंट में रखेंगे अब वो वाले बजट के अंदर पास किया होगा तो वहाँ से अप्रोप्रिएशन एक्ट टू मिला होगा जहाँ पर गवर्नमेंट को परमिशन मिली होगी कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 31 मार्च 2013 तक पैसा खर्च कर सकते हैं। अब शब्दों पर गौर करें। 2012 में बजट पास होता है, तो उसमें एप्रोप्रिएशन बिल और पास होके एक्ट बना, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी? एक अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 यहां तक होगी वैलिडिटी। ये 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 करते करते इधर तक। अब ये बजट पास हुआ होगा तो आप जानते हैं उसके छह स्टेज है प्रेजेंट करो जनरल डिस्कशन डिपार्टमेंटल कमिटी फिर वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ फिर फाइनेंस बिल पास हुआ और काम आगे बढ़ गया सो दिस इज डन स्टेज वन उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा टू तो वापस कांग्रेस सरकार के ज़माने में सिस्टम क्या था फेब्रुआरी के लास्ट वीक फोर्थ वीक के अंदर हम लोग बजट रखते हैं तब 2013 का बजट वो प्रेजेंट करेंगे डिस्कशन होगा डिपार्टमेंटल कमेटी उसको देखेगी डिमांड ऑन ग्रांट्स फॉर वोटिंग होगा फिर वो नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक तो ये मतलब ऐसी साइकिल साइकिल चलती थी बट यहाँ पर प्रॉब्लम वही आ रही थी जो कि वो रैकलेस बच्चे को आ रही थी मेरा प्रीवियस प्लान समाप्त हो गया टॉक टाइम नहीं है प्रॉब्लम इज पुराना जो एप्रोप्रिएशन एक्ट था वो 31 मार्च को वैलिडिटी टॉक टाइम खत्म अब आपने वापस से मोबाइल रिचार्ज करना है और वो तो सरकार चाहती है एप्रोप्रिएशन बिल फॉर 2013 उन्होंने रखा है लेकिन प्रॉब्लम उस ज़माने में ये आती थी कि ये पूरी पासिंग की प्रक्रिया बहुत देरी से चलती थी लंबी लंबी चर्चा होगी पार्लियामेंट में टाइम ज़्यादा लगेगा तो 2013 का अप्रोप्रिएशन बिल पास होते होते ऐसा हो जाता था कि अप्रैल का चौथा हफ्ता या मई महीने का फर्स्ट वीक आ जाता था तो पुराना प्लान खत्म हो गया नया इधर से चाहिए हमको प्लान पास हुआ नहीं तो फिर बीच में क्या करे देन यू हैव टू आस्क द पापा कि मुझे टेम्पररी कुछ थोड़ा पैसा दे दो टॉक टाइम चाहिए तो उसका जवाब है वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट भी अपने पापा यानी पार्लियामेंट को बोलती है कि हमें टेम्पररी थोड़े महीने के लिए टॉक टाइम दिलवा दो वोट ऑन अकाउंट क्या है यहां पर पार्लियामेंट मतलब प्रैक्टिकली लोकसभा क्योंकि राज्यसभा के पास तो पावर कम ही है बजट रिलेटेड मैटर्स में तो पार्लियामेंट जब तक नया वाला अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक ये जो एक दो महीने के लिए उनको दिक्कत आ रही थी जब पुराना वैलिडिटी खत्म हो गया था नया प्लान पास नहीं हुआ था तो इन बिटवीन तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसे टेम्परली पैसा खर्च करने की अनुमति देती है अनटिल द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज पास्ट ये चीज़ को बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट वोट ऑन अकाउंट सामान्य रूप से दो महीने के लिए दिया जाता है और पूरे बजट का जो एस्टिमेशन हो सपोज पूरे साल में सौ करोड़ चाहिए तो यहाँ पर उसका वन सिक्स अमाउंट इतनी अमाउंट पार्लियामेंट बोले कि ठीक है तुम कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से खर्च कर लेना बाद में एडजस्ट कर लेंगे सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड वोट ऑन अकाउंट की मेरा पुराना प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी लेकिन नया रिचार्ज करने से पहले मुझे संसद ने कुछ दिनों के लिए थोड़ा टॉक टाइम दिलवा दिया दैट इज वोट ऑन अकाउंट अब वोट ऑन अकाउंट की वैसे जरूरत कम रहती है क्योंकि मोदी सरकार आने पर 2016 वैसे सरकार आती है 2014 से बट ये जो काम शुरू होता है सिस्टम थोड़ी चेंज होने का वो 16-17 से शुरू होता है तो 2016 तक तो मोदी सरकार ने भी कांग्रेस वाली सिस्टम अपनाई कि वो फेब्रुआरी के चौथे हफ्ते में बजट प्रेजेंट करते थे और वहाँ पर 2016 का अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हुआ होगा जिसकी वैलिडिटी कब तक होगी फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च यहाँ तक 31 मार्च 2017 तक उसके बाद 2017 में सरकार को लगा कि ये ऑन अकाउंट की पूरी मगजमारी से बचना है तो सिंपल सोल्यूशन फेब्रुआरी के चौथे वीक में नहीं फेब्रुआरी के फर्स्ट वीक में बजट डालना शुरू करो फर्स्ट वीक के फर्स्ट वर्किंग डे को मतलब रविवार के अलावा वाला सपोज कोई दिन है सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैर सपोज हम लोग रखेगी पहली फेब्रुआरी कोई सोमवार या कोई वर्किंग डे है तो उस पर प्रेजेंट कर सकते हो सपोज फर्स्ट डे संडे है तो फिर सेकंड फेब्रुआरी को आप रख सकते हैं सो बेसिकली द इज फर्स्ट वर्किंग डे से हमने बजट रख देना है सो so, फेब्रुआरी का फर्स्ट वर्किंग डे वहाँ पर बजट प्रेजेंट करो उससे फायदा ये होता है कि बजट के जो छह स्टेज है बजट डाला प्रेजेंट किया डिस्कशन स्क्रूटिनी वोटिंग अप्रोप्रिएशन बिल पास किया फाइनेंस बिल पास किया लेकिन क्योंकि हमने एडवांस में काम शुरू कर दिया पहले हफ्ते से काम शुरू कर दिया पार्लियामेंट में सब चर्चा हो रही है वोटिंग हो रही है एज अ रिजल्ट सरकार ये जो नया वाला अप्रोप्रिएशन बिल है इसके लिए नेक्स्ट ईयर दैट इज टू के लिए उसको वो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड से पहले पास करवा लेगी। तो फायदा क्या है? पुराना टॉक टाइम समाप्त हो रहा है सो एज ए रिजल्ट नाउ टू थाउजेंड सेवनटीन का अप्रोप्रिएशन एक्ट भी पास कर दिया सरकार ने तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करने की अनुमति मिल गई एक अप्रैल दो से लेकर इकतीस मार्च दो तक तो इसलिए अब ये सरकार यहाँ पर टी शर्ट पे रैकलेस लिखने की जरूरत नहीं कि हमने तो पहले ही काम कर दिया है तो वोट ऑन अकाउंट हमको नहीं चाहिए सो so, देरपोर वोट ऑन अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड और फिर आप पाएंगे 2017 का बजट देखो 18 का बजट देखो तो बजट में आप जानते हैं तीन डॉक्यूमेंट रखने हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दिया फाइनेंस बिल रख दिया अप्रोप्रिएशन बिल रख दिया और इनको पास करवाना था प्रॉब्लम बीच में पहले ये आ रही थी कांग्रेस काल में कि अप्रोप्रिएशन बिल नेक्स्ट पास नहीं हो तब तक हमने टेम्पररी वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ने एडवांस में ही सब काम कर दिया पहले हफ्ते में ही बजट प्रेजेंट करते हैं तो वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत उनको रहती नहीं और अगर आप न्यूज़ हेडलाइन फॉलो करें बजट पाँच दिन लोकसभा विदाउट डिस्कशन फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल पास बाय वॉइस वोट वो सब क्या है पॉलिटी में देखना फिर जो चीज़ें बच गई उसमें गिलोटिन हो गया मतलब सभी एक साथ पास कर देंगे और ये सब काम देखिए कब हुआ है मार्च 14 2018 यानी 31 मार्च से पहले ही हो गया तो इनको वोट ऑन अकाउंट लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद ये फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल ये सब प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करेंगे तो वो एक्ट बन जाते हैं तो एक्ट भी बन जाएंगे वो सारा काम भी वो लोग इकतीस मार्च से पहले करवा देते हैं एंड देर फॉर दे डू नॉट रिक्वायर वोट ऑन अकाउंट यहाँ पर मित्रों लक्ष्मीकांत और पॉलिटी में आपने खुद से और आगे पढ़ना है कि ये पार्लियामेंट की अलग अलग कमेटी कौन कौन सी होती है ग्रांट्स के अलग अलग प्रकार कट मोशन के अलग अलग प्रकार वो सब चीजें कुछ कन्फ्यूजन है तो लक्ष्मीकांत अन अकेडमी के लेक्चर यूट्यूब वीडियो वो सब देख आप खत्म कर देना अकाउंट मतलब टेम्पररी पैसा उसकी अनुमति मिलती थी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज्रीम बजे टू थाउजेंड वहां पर तो फेब्रुआरी महीने में सरकार ने बजट कांग्रेस सरकार ने रखा होगा इलेक्शन से पहले की बात है तो वहां पर उन्होंने तीन डॉक्यूमेंट रखे होंगे यस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल और छह स्टेज के अंदर उसको पास भी किया होगा अब क्योंकि 2014 इज एन इलेक्शन ईयर लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये वाले बजट में कोई नई योजना लॉन्च कर दें कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली की बच्ची की शादी जब होगी तो सरकार उसको दो ग्राम सोना देगी ऐसी कुछ राज्य सरकार में ऐसी लोक लुभावन टाइप की स्कीम चलती है ताकि गरीब लोग बहुत खुश हो जाएं और सरकार को वोट दें और पेरेंट्स विल गिव वोट टू अवर पार्टी तो क्या चुनावी वर्ष में ऐसी लोक लुभावन योजना बजट में घोषित करना नैतिक होगा स्वाभाविक है ये नैतिक नहीं होगा एंड एज ए रिजल्ट सब पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में एक सहमति बनाई है कि जब भी जनरल इलेक्शन आ रहा है या कोई कोलिशन क्राइसिस है मतलब वो सचिन पायलट रहेगा कि नहीं या कुछ महाराष्ट्र में ये सरकार रहेगी कि नहीं गिर जाएगी ऐसी परिस्थिति की जहाँ पर हमको पता नहीं कि अगले एक दो महीने बाद क्या होगा और उसी वक्त बजट बनाने का कुछ सीजन चल रहा है तो तब जो सरकार है वो वापस आएगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं ऐसी सरकार आउट गोइंग गवर्नमेंट उसके लिए ये इमोरल या अनएथिकल होगा अनैथिक होगा कि वो बजट द्वारा कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस कर दे कि इलेक्शन है इसलिए टू ग्राम गोल्ड फॉर द मैरिज ऑफ एवरी बीपीएल गर्ल या फिर कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में जीरो परसेंट देना होगा चुनावी वर्ष में ऐसी लोक लुभावन चीज़ें अनाउंस करना ठीक नहीं होगा इसलिए पूरा बड़ा वाला बजट नहीं बनाते अंतरिम बजट बना कर देते हैं सो देरफोर इन द नेम ऑफ इंटरम बजट करना क्या है बस नया कुछ भी नहीं है आपने बजट ही प्रेजेंट करना है तीन डॉक्यूमेंट रखने हैं सेम टू सेम छह स्टेज में उसको पास कराना है शर्त यह है कि आपके बजट में कोई ड्रास्टिक बड़े अनाउंसमेंट या बड़े चेंजेस नहीं होने चाहिए प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसमें जो योजनाएं थी या इनकम टैक्स के जो स्लैब या परसेंटेज थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है वैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिक्वायरमेंट या शर्त नहीं है दिस इज ओनली अ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग अमोंग द पॉलिटिकल पार्टीज कि ऐसा नहीं करना चाहिए यह अनियतिक है अब क्योंकि फेब्रुआरी 2014 में चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा इंट्रीम बजट या अंतरिम बजट डाला होगा तो वो क्या सोच के डाला होगा कि हम लोग अगर वापस चुन के आएंगे आफ्टर द इलेक्शन इफ आवर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड अगेन तो ऑप्शन ए हम लोग सेम ईयर के लिए दूसरा बजट प्रेजेंट करेंगे जिसमें बड़ी बड़ी योजनाएं होंगी तो क्या वो कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं इट इज अलाउड ऑप्शन बी या अगर हम लोग सेम ईयर के लिए आफ्टर द इलेक्शन नया बजट प्रेजेंट न करें तो हमारा जो इंट्रीम बजट है उसकी वैलिडिटी पूरे साल के लिए रहेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम की वो पूरे साल के लिए पास किया है लेकिन इलेक्शन के बाद पता चलता है कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई मोदी सरकार आती है एंड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट मोदी गवर्नमेंट ने ईयर टू के लिए वापस से एक बजट प्रेजेंट किया कि कांग्रेस वाला हमको नहीं मंजूर हम नया बजट डालेंगे सो देन न्यू जनरल बजट फॉर टू थ लोकसभा में जुलाई के महीने में डाला जाता है अंडरस्टैंड द डिफरेंस वोट ऑन अकाउंट क्या था मेरे पुराने प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी समाप्त हो गई नया रिचार्ज करने से पहले संसद से कुछ दिन का टॉक टाइम मिला प्रॉब्लम यह थी थर्टी फर्स्ट मार्च उसके बाद नया जब तक पास नहीं होता तो इन बिटवीन जो अप्रैल मई के महीने के लिए टेम्पररी पैसा दिया गया वोट ऑन अकाउंट चलता था टू और एटीन में उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मोदी सरकार ने बजट प्रेजेंटेशन फेब्रुआरी के चौथे वीक की जगह पहले वीक से प्रेजेंट करना शुरू किया इंट्रीम बजट क्या है इंट्रीम बजट तो मतलब चुनावी वर्ष में बड़े लोक लुभावन का ऐलान करना अनैतिक होगा यू कैन नॉट गिव सम लाइक टू ग्राम गोल्ड टू पुअर वीमेन वगैरह तो जब जब इलेक्शन ईयर होगा तब तक इंट्रीम बजट डाला जाएगा टू थाउजेंड फोर हुआ है तो 2004 में देखो वो यशवंत सिन्हा 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी 14 में इंतिम बजट चिदम्बरम और उसके बाद 2019 थाउजेंड नाइनटीन में पियूष गोयल भी डालते हैं सो so, वहां पर तो तीन डॉक्यूमेंट डालेंगे यस वहाँ पर वोट ऑन अकाउंट मांगा जाएगा द आंसर इज अगेन यस अगर वो पुरानी सिस्टम है कि जहाँ पर वीक फोर में अगर हम लोग डाल रहे होते बजट तो वोट ऑन अकाउंट की भी जरूरत पड़ती क्योंकि वैलिडिटी समाप्त होने वाली होगी लेकिन ये जब पीयूष गोयल 2019 में डालते हैं तो उन्होंने तो इंट्रीम बजट डाला फर्स्ट फेब्रुआरी 2019 को तो यानी कि उनका तो प्रीपेड प्लान और वो सब एडजस्ट हो जाएगा तो उन्होंने वोट ऑन उन अकाउंट की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी पीयूष गोयल ने वोट ऑन अकाउंट लिया ये सोचकर कि आफ्टर द इलेक्शन हम लोग फुल बजट प्रेजेंट करने वाले हैं तब बड़ा वाला अप्रोप्रिएशन बिल डालेंगे तो अभी वो सब मांग नहीं रहे हैं इसलिए हमको छोटा सा वोट ऑन अकाउंट टेम्परली दे दो देखिए 2018 का जनरल बजट क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं था तो जनरल बजट था उसका जो अप्रोप्रिएशन बिल था मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने का बिल उसमें देखिए क्या लिखा है टू अपटेन द मनी टू फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 मतलब पूरे साल के लिए हमको पैसा चाहिए एक बार में मांग लिया लेकिन 2019 वो बजट क्या नाइनटीन बजट वैसे तो वहां पर वोट ऑन अकाउंट मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि के फर्स्ट वीक से ही सब डाल रहे हैं तो आपका काम समाप्त हो जाएगा बिफोर थर्टी मार्च लेकिन फिर भी उन्होंने मांगा क्या अप्रोप्रिएशन बिल इन ब्रैकेट वोट ऑन अकाउंट टू वहां पर रखा है कि फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज ऑफ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पूरे वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए हम मांग रहे हैं क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट है पूरे साल का हम नहीं मांग रहे हैं। इंप्लाइंग कि हाँ, आफ्टर इलेक्शन हम लोग वापस नया बजट डालेंगे उस वक्त कुछ बड़ी रकम मांगेंगे और फिर वही हुआ जुलाई 2019 में इलेक्शन के बाद पूरे साल के लिए जनरल बजट उन्होंने पेश किया उस वक्त जब निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल डाला तो देखिए टाइटल क्या है अप्रोप्रिएशन बिल इन टू ब्रैकेट नंबर टू क्यों क्योंकि पहला वाला तो हम लोग इंटीम बजट में डाल चुके थे 2019 और वहां लिखा है फॉर द सर्विस ऑफ द ईयर था ट्वेंटी उस वक़्त देखिए उन्होंने वापस वोट ऑन अकाउंट नहीं मांगा क्यों क्योंकि पहले जो वोट ऑन अकाउंट मांगा था पीयूष गोयल ने उसमें उनके पास पैसा बचा था तो अब उनका काम हो गया अभी उतने में तो ये नया वाला भी पास हो जाएगा सो शी डिड नॉट आस्क फॉर वोट ऑन अकाउंट अगेन तो इधर ये टॉपिक खत्म होता है इसमें कुछ मॉरल आउटरीच की जरूरत नहीं हमने आगे पढ़ा कि इंट्रीम बजट का मतलब वहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे जैसे फोर्थ पिलर में कि कैसे इंट्रीम बजट में पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि किसानों के लिए पीएम किसान योजना जहां पर उनके बैंक अकाउंट में हम लोग छः हजार रुपये देंगे तो वो तो मतलब एक प्रकार से इलेक्शन ईयर का पॉपुलरिज्म लोकलुभावन नहीं हो गया तो यानी कि ये इंट्रीम बजट किधर है टू थाउजेंड नाइनटीन का इंट्रीम बजे लेटर एंड स्पिरिट वास्तविकता में तो इंटरम बजट नहीं दिखता है भाई आपकी बात सही है कि वो तो लोक लुभावन किया वो बराबर नहीं काम किया उन्होंने बट प्रश्न ये भी है कि आपको लगता है यूपीएससी ऐसा पूछने वाली है मुझे तो नहीं लगता अभी तो हमने देखा प्रश्न क्या था प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों के लिए जरूरी है क्या आप इससे सहमत है तो मतलब एक प्रकार का लोडेड क्वेश्चन मोदी भक्ति टाइप का क्वेश्चन तो ये सब ऐसा क्रिटिसिज्म जो द हिंदू में चलता है अपने किसी काम का नहीं डोंट वेस्ट टाइम तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया इंट्रीम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट ऑल द वे अप टू पेज 196 उसके बाद दो टॉपिक है फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके पांच विभाग और इकोनॉमिक सर्वे और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी देखते हैं बट बिफोर दैट लेटेस्ट टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स Thank <laughs> हलेट फ्रेंड्स फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन कैन यू सी मी कैन यू हेयर मी क्या आप मुझे देख सकते हैं सुन सकते हैं मोहम्मद नीलेश थेनोस बरोस मै सौरभ बेन आदस दान सरेजस मूव फॉरवर्ड हाँ तो दो चीज़ पढ़नी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है ये साहब बैठते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों का विभाग उधर ये साहब बैठते हैं यूजुअली उनका टेन्योर होता है थ्री इयर्स का लेकिन री अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन तो उनका कार्यकाल देखो दो से अठारह तो ये तो लगभग चार साल हो गया उ इट इज डट पॉसिबल बिकॉज अपॉइंटमेंट हो सकता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये कोई स्टेच्यूटरी पोस्ट नहीं है मतलब कानून से बनाई गई है या संविधान में लिखा ऐसी बॉडी नहीं है यूपीएससी द्वारा एक अलग परीक्षा लेकर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसमें कुछ शर्तें होती है कि उसने इकोनॉमिक्स का ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट एग्जाम आई एक प्रकार की स्पेशलिस्ट जॉब है मतलब उसने सिर्फ एक ही काम करना है वो इकोनॉमिक एडवाइजर और सारा डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजेंगे और सब नीतियाँ और वो सारे टेक्निकल टाइप के काम उन सब आई और ऑफिसर के ऊपर सबसे बड़ा बॉस उनका कौन होगा दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब उनका जो भी पोस्टिंग प्रमोशन ट्रांसफर वो सब फाइलों में सिग्नेचर कौन करेगा ये वाले साहब इसे बोला जाता है ही हैज द कंट्रोल ओवर द कैडर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस मेन अपने इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये फेमस है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में कुछ बड़े बड़े दिमाग पहले भी बैठ चुके हैं जैसे मनमोहन सिंह डॉक्टर रघुराम राजन फिर 2014 थाउजेंड फोर्टीन टू एटीन अरविंद सुब्रमण्यन और अभी कौन है 2018 दिसंबर से कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन ये लोग जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं यानी आर्थिक सर्वेक्षण कुछ वर्षों से फॉर्मेट शुरू किया है कि दो वॉल्यूम में बनाए जाएंगे ये ऐसा किताब प्रोड्यूस करना ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है संविधान में नहीं बोला लेकिन एक प्रैक्टिस हो गई है कि पार्लियामेंट में जिस दिन बजट प्रेजेंट करना होगा उससे एक दिन पहले इसको वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं मतलब अगर बजट हम लोग फर्स्ट फेब को डाल रहे हैं तो उसके एक दिन पहले मतलब थर्टी फर्स्ट जनवरी को ये लोग इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में रखेंगे ये इकोनॉमिक सर्वे के दो वॉल्यूम होते हैं वॉल्यूम वन के अंदर फ्यूचर सजेशन फ्यूचर प्रोजेक्शन कि नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है हमको क्या लगता है क्रूड ऑयल का इतना प्राइस होगा बारिश इतनी अच्छी होगी हम लोगों ने जेंडर डेवलपमेंट के लिए ये करना चाहिए वगैरह और वॉल्यूम टू के अंदर प्रीवियस ईयर का डेटा रहता है कि पिछले साल टैक्स में इतना पैसा आया था पिछले साल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतना हुआ था वगैरह सो वॉल्यूम टू फर्स्ट डेटा वॉल्यूम 1 फ्यूचर डेटा एंड फ्यूचर सजेशन जब हम लोग बजट प्रेजेंट करते हैं जैसे कि 2018 का बजट फरवरी में हमने जब प्रेजेंट किया होगा 1 फरवरी 2018 तो बजट प्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब एक अप्रैल से 31 मार्च 2018 19 तो जब आप बोलते हैं बजट तो बजट का लेबल क्या होता है नेक्स्ट ईयर दैट इज 2018 19 ये यह यहाँ पर 2018 में जो डाला उसका लेबल होता है 2018-19 लेकिन वहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे डाला जाता है एक दिन पहले जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे इज आफ्टर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का लेबल उस पर लगता है तो इकोनॉमिक सर्वे का लेबल क्या होगा इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड क्योंकि वहां पर बात यह होती है प्रीवियस ईयर में ये हुआ और उस हिसाब से फ्यूचर में ये करना है सो इकोनॉमिक सर्वे जो वैसे इधर डाला बट लेबल होगा पिछले साल का बजट जो यहां पर डाला उसका लेबल होगा नेक्स्ट ईयर का। अब ऐसा करते करते 2019 में पहुंचे तो हमने देखा कि कैसे इलेक्शन ईयर है बोलके 2019 की फेब्रुआरी महीने में तो अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया उसके साथ उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं किया अब उसका क्या कारण हो सकता है मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे डालते तो उसमें पास्ट ईयर का डेटा बोल के 2018 में इकोनॉमी में स्लो डाउन या कुछ अच्छा बुरा हुआ था तो लिखा होगा देन कांग्रेस पार्टी को मजा आ जाएगा उसकी मदद से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्होंने शायद इसलिए नहीं डाला क्य सरकार का ये तर्क है कि टू का जब इलेक्शन था उस वक्त भी इंटरम बजट में कांग्रेस सरकार ने किधर इकोनॉमिक सर्वे नहीं डाला था सो वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड मतलब उनका ये कहना है कि जब इलेक्शन के बाद फुल बजट हम लोग रखेंगे उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे डालेंगे सो देर फोर इन मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर द इलेक्शन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रोड्यूस किया लेकिन आप जानते हैं वो डाला 2019 में बट लेबल प्रीवियस ईयर का होता है तो उसका लेबल है 2018-19 और फिर जनरल बजट 2019-20 क्योंकि हम जानते हैं दैट इज फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोल के वैसे फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो ही गया था अप्रैल महीने से तो प्रश्न अब ये होता है विल यू टीच इकोनॉमिक सर्वे मेरा जवाब है यस आई विल टीच लेकिन हम उसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे हम उसको पिलर के हिसाब से पढ़ेंगे मतलब जो चीज़ जहाँ पर लागू होती है ऐसे चैप्टर नहीं वन टू थ्री फोर चैप्टर में नहीं पढ़ना है वो इसलिए क्योंकि अभी आपके लिए वन टू थ्री फोर चैप्टर वो बड़ी चीज़ हो सकती है लेकिन जब एक अटैम्प दो अटैम्प फेल हो जाओ और फिर तीसरे अटैम्प में मेन्स आंसर राइटिंग करनी है तो वन टू थ्री फोर फाइव चैप्टर दिखता नहीं उस वक्त पिछले पाँच सालों में ये ट्रेंड रहा है उस हिसाब से इकोनॉमी में ये करना है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये करना है लाइक दैट यू विल फाइनली सी दैट हाँ वो पिलर वाइज हमको करना जरूरी था चैप्टर वाइज वन टू थ्री फोर तो अभी फ्रेश है एक साल बाद तो वो आई फोन की तरह आई फोन पुराना हो गया लाइक दैट इट मे अपियर टू यू बट अगर आप पिलर के हिसाब से करेंगे मतलब टॉपिक के हिसाब से बैंक में ये करना है टैक्स में ये करना है तो आप मेन्स आंसर राइटिंग में उसे हर जगह पर कोट कर सकते हैं सो यस वी विल नॉट लर्न इट चैप्टर वाइज वी विल लर्न इट पिलर वाइज जैसे कि हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस वहां पर याद करो पब्लिक सेक्टर बैंक के पचास साल पूरे हुए और उसमें क्या अच्छा बुरा हुआ आर्टिफिशियल लैंग्वेज मशीन लर्निंग पी एस बी आई नेटवर्क खड़ा करेंगे वो सब चीज़ें नई इकोनॉमिक सर्वे में ही दी थी और हमने उधर पढ़ लिया फिर अभी हम लोग बजट देख रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यूज़ करके हम लोग टैक्स की इनकम बढ़ा सकते हैं यह सब इकोनॉमिक सर्वे में दिए फिर हम लोग थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड में जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे ये प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद के नाम पे अमेरिका चाइना वाले भारत की चीज़ों पर और ज्यादा टैक्स डालते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है उससे लड़ने के लिए क्या करें फिर हम लोग जाएंगे फोर्थ पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वहां पर ये एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ये सब की बात है तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे में जो बात हुई है कि मेक इन इंडिया असेंबल इंडिया टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री पर फिर फोकस करो मिनिमम वेजिस न्यूनतम वेतन गरीबों को मिले कोशिश करो वेल्थ क्रिएशन की जाए इंडिया का जीडीपी क्या ओवररेटेड है या बराबर से कैलकुलेशन हो रही है थाली इनमिक यानी थाली एक थाली भोजन खरीदने का भाव पहले से ज्यादा बड़ा है या महंगाई कम हुई है वगैरह फिर फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात सिक्स पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो वहाँ पर जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी की मदद से मतलब तीन चीज़ों की मदद से कैसे हम सभी योजनाओं को ठीक से लागू कर सकते हैं या संत मेटा प्रेफरेंस यानी बेटिया पैदी होती रहे तो भी आज बच्चे पैदा करते रहते जब तक बेटा संत पैदा नहीं होता और ऐसा करने पर घर में तीन चार बेटियां होती हैं और फिर उनका माँ बाप ठीक से ध्यान नहीं रखते वो सारे प्रॉब्लम्स इंडियन डेमोग्राफी है ट्वेंटी फोर्टी ईयर उस वक्त क्या परिस्थिति होगी और सबका स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है तो ऐसा है कि ये सभी चीज नीक इकोनॉमिक सर्वे में आई नहीं ये तो पिछले चार पांच सालों के अलग अलग सर्वे में थोड़ी थोड़ी बात हुई बट कॉम्पोजिट हम लोग हर जगह पर उसके अच्छे अच्छे मुद्दे पढ़ रहे हैं ताकि जिधर भी मेंस में जो जवाब छापने की जरूरत पड़े आसानी से आप छाप सके नेक्स्ट क्वेश्चन तो मतलब मैंने अपने से बता दिया कि हाँ हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे बट पिलर वाइज उसको पढ़ेंगे चैप्टर वाइज नहीं दूसरा प्रश्न डू आई हैव टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे माई सेल्फ विद्यार्थी के रूप में क्या आपने पढ़ना है इसका जो वॉल्यूम वन होता है जहां पर मैंने आपको बताया कि भविष्य का प्रिडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है वो आपने पढ़ना है और वो भी पूरा पढ़ना नहीं है 2015 ऑनवर्ड्स मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर आएगा 21 ये सब के सिर्फ अपने हर एक चैप्टर की शुरुआत में उसका होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट में होता है उसका कंक्लूजन वो चीज़ें पढ़ो मतलब चार पांच चार पांच सेंटेंस होते हैं तो हर बुक के अंदर सपोज देर आर समट नाइन और ट्वेल्व चैप्टर्स और उस हिसाब से पांच छह कुल मिला के मेरे हिसाब से सम फिफ्टी पेजेस से ज्यादा का मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन वो पढ़ना इसलिए है दिस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर्स क्योंकि वो मेन से ऐसे हर जगह पर आपको लिखने में मदद मिलेगी ये वाली चीज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मुफ्त में मिल जाएगी ये वाले लिंक पे जाओ तो लेकिन अभी के अभी इसको पढ़ना नहीं है कोर्स खत्म हो जाए फिर आपको पूरा पिक्चर की ये सब हमने यहाँ यहाँ पढ़ा था एंड देन यू पीसफुली लुक एट इट तो अभी नहीं कोर्स खत्म होने के बाद सो यस वॉल्यूम वन पढ़ना है वॉल्यूम टू पढ़ना है द आंसर इज नो वॉल्यूम टू के अंदर प्रीवियस ईयर का डेटा होता है तो इतने सालों के सब प्रीवियस ईयर का डेटा देखने का कोई मतलब नहीं और उसके अंदर चैप्टर के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में भी कोई खास बात ऐसी होती नहीं कि हम लिख सके क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के डेटा बोलते रहता है इतने बारिश हुई इतना टैक्स आया बट वो तो हम जान चुके हैं लेटेस्ट डेटा क्या है हवेवर आपका नेक्स्ट ईयर का होमवर्क ये है मतलब 2021 में जब नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे आ जाए और आपकी प्रीलिम एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद मेन्स एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आप तैयारी करेंगे इंटरव्यू की अब इंटरव्यू में आपने अपने खुद के स्टेट में राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश इन्फेंट मोटालिटी कितनी मेटर्नल मोटालिटी कितनी स्कूल ड्रॉप आउट कितने बच्चे छोड़ देते हैं आपके राज्य का क्या उत्पादन है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ये सब डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है वॉल्यूम टू से लेकिन पुराने वाले नहीं नेक्स्ट ईयर का जो दो का है वो भी देखना है बट कब मेंस खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तब देखना है अभी नहीं सो लाइक दैट यू अप्रोच इट बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वॉल्यूम वन के चैप्टर वाइज भी देखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पिछले पांच छे साल के पचास पचपन पेजेस देखने हैं और इसका चार पांच पेजेस देखने दैट इज ऑल मूविंग ऑन थीम ऑफ द बजट जैसे सब अलग अलग ब्रिक्स का समिट होता है आसियान समिट होता है तो वो बोलते हैं हमारा ये थीम है उस पर चर्चा हो रही है तो क्या बजट का भी थीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मीडिया में होशियारी माने के लिए बनाते रहते हैं टू में कोई थीम नहीं था 2019 में कोई थीम नहीं था 2020 बजट में आफ्टर द इलेक्शन जो बजट आया निर्मला सीतारामन का तो मीडिया के अंदर जरा होशियारी मानने के लिए तीन थीम की बात की गई पहला एस्पिरेशनल इंडिया मतलब महत्वाकांक्षी भारत दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल सबका विकास एंड थर्ड इज केयरिंग इंडिया मतलब सबकी देखभाल करने वाला भारत ऐसा करके हम ये ये कर रहे हैं ऐसी उनके बात हुई एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न में ऐसा थीम पूछा गया वो ट्रेंड नहीं लेकिन मीन्स एग्जाम में एक बार ऐसा पूछा गया कि ये वाले बजट का ये थीम रहा है तो बताइए कि उस हिसाब से भारत सरकार क्या क्या कर रही है सो यू बेसिकली हैड टू टॉक अबाउट द स्कीम्स ऐसा मीन्स में एक बार पूछा गया थीम के हिसाब से तो आ, आपको ध्यान होना चाहिए ठीक है केयरिंग इंडिया तो केयरिंग इंडिया में आप क्या बोल सकते हैं वो सब गरीबों को पेंशन मिले वो और वो सबका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए किसानों को पैसा मिले एंड सो मेनी थिंग्स सो लाइक दैट यू कैन असेंबल द स्कीम्स सो बजट का थीम कभी कभी होता है व्हाट अबाउट इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे का भी थीम होता है पिछले कुछ वर्ष ऐसे गए जब उन्होंने थीम दिया लेकिन अब इन द रिसेंट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे में वो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोलते कि हमारे सर्वे का ये थीम है लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे सर्वे का बुक का कलर ऐसा है और वो कलर हमने किस कारण से सिलेक्ट किया है जैसे कि 2018 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया वहाँ पर बोला कि इसका पिंक कलर है कवर का और वो इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज वी वॉन्ट टू एंड द जेंडर वायलेंस महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उससे लड़ना है फिर 2019 का इकोनॉमिक सर्वे आता है ये वाली साइड पर वहाँ पर थीम क्या आपको दिखता है गगन या आसमान जैसा नीला रंग है स्काई ब्लू कलर तो उन्होंने कहा कि ये ब्लू कलर की ब्लू प्रिंट है जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि भारत की इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ाकर हम लोग फाइव ट्रिलियन डॉलर कैसे कर सकते हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे बट फोर्थ पिलर में उसके बाद जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर जनवरी महीने में उसका थीम क्या है उसका थीम तो मतलब वो थीम तो नहीं बोलते बोलते हैं कि हमारी बुक का ये कवर है और वो ये सब्जेक्ट के चलते हमने कवर सिलेक्ट किया तो बुक का कवर किस कलर का है लेवेंडर या पर्पल जामुनी रंग का है और ये क्यों उन्होंने पसंद किया ये सौ रुपए की पुरानी नोट वैलिड है द आंसर इज ऐसी जो ग्रे कलर वाली पुरानी है वो तो वैलिड है डीमॉनिटाइज नहीं हुई अच्छा ये नई क्या वैलिड है क्या पर्पल कलर की हाँ ये भी वैलिड है तो पुरानी भी नोट चलती है और नई भी नोट चलती है तो ऐसा उदाहरण देकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बोल रहे हैं कि ये जो नई नोट का कलर है पर्पल कलर ऐसा मैंने पसंद किया है ये दिखाने के लिए कि सौ रुपये मतलब करेंसी तो थी ही बस उसका थोड़ा चेंज हमने किया तो बस उसी तरह से वी विल डू द सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू आइडियाज ओल्ड आइडिया मतलब कौटिल्य और चाणक्य कौटिल्य ही कौटिल्य प्लाटो ये सब पुराने सब जो थिंकर्स थे बड़े बड़े उनके आइडियाज़ को और नए थिंकर से उनके आइडियाज़ को सिंथेसाइज़ करेंगे जिसकी मदद से हम लोग वेल्थ क्रिएशन कर सके इकोनॉमिक फ्रीडम ला सके ये सब के लिए ये दिखाने के लिए मैंने पर्पल कलर सिलेक्ट किया है हमें क्यों याद रखना ये सब एम सी क्यों बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग करके या फिर कि आपको कलर दे और सामने व्हाट ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया सो यू केयरफुल यहाँ पर पिंक कलर तो कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि वो तो मीटू चल रहा था उसके साथ सौहार्द के लिए लेकिन ये जो सर्वे में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मीटू एक छोटा सा आयाम है बड़ी चीज़ क्या है मीटू इधर है तो उसके ऊपर भी एक 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 करते बनाते जाओ तो बहुत बड़ी चीज़ क्या है जेंडर वायलेंस उसको रोकना है दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कलर सो एनी वेज सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक सर्वे क्या है और उसके क्या थीम्स कलर रहे नौ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे पांच डिपार्टमेंट बहुत ही आसान चीज है फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के नीचे पांच डिपार्टमेंट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वन यू कैन से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों का विभाग क्योंकि उनका काम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट अब बजट में तो आप जानते हैं टैक्स की बात भी होगी तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स का काम देखता है वो लोग डेटा देंगे बजट के अंदर हमने कुछ गरीब कल्याण के लिए सबके बैंक अकाउंट खोलो ऐसी भी बात होगी तो वो तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी बनाकर उनको देगा बट ये सभी अलग अलग चीजों का अल्टीमेट प्रिपरेशन या कोऑर्डिनेशन या संकलन और उसके बाद प्रेजेंटेशन का काम कौन देखता है दैट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम वो सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सबके ब्याज दर तय करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये वाले डिपार्टमेंट में बैठते हैं उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग तो राजस्व मतलब क्या जो भी कर टैक्सेशन लेना है उसके तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे दो स्टैचूटरी बॉडीज हैं एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो कि जीएसटी कस्टम ड्यूटी वो सब का काम देखता है उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें उनके नीचे हैं जो हैंड आउट में दी गई थर्ड डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग या खर्च विभाग तो खर्च विभाग के अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सी जी असल में इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस वगैरह जो सिविल सर्विस एग्जाम से रिक्रूट होते हैं उसे आगे आगे बढ़ते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं सो कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट वो भारत सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा

पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पी एफ एम एस ये वेबसाइट से काम क्या होता है सभी अलग अलग योजनाओं का पैसा अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी उसको भेजने के लिए पूरा जो नेटवर्किंग बनाना है वो ये वाले वेब पोर्टल से होता है सो दिस इज वन यानी योजनाओं के खर्चे का पैसा जाता है उसका केंद्र बिंदु क्या है पी एफ एम एस पोर्टल ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यूपीएससी सीडीएस 2019 में प्रश्न पूछा था कि ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल वो डिजाइन डेवलपमेंट ओन एंड इम्प्लीमेंटेशन किसने किया तो जवाब है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने किया सो इज फेमस फॉर वन थिंग ये स्कीम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का पोर्टल दूसरा भी उन्होंने पोर्टल बनाया है नॉन टैक्स रिसीव पोर्टल जिसका वैसे कॉमन नाम बनाया है भारत कोश भारत कोश एक प्रकार का ऐसा पोर्टल है जहां पर गवर्नमेंट अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के लिए या कुछ फीस लेने के लिए उसे यूज करती है जैसे कि भारत सरकार ये इंडिया ईयरबुक या भारत 2020 2021 ऐसी बुक सेल करती है योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन सेल करती तो वो सब खरीदने के लिए एमेजोन में भी जा सकते हैं बट सरकार का अपना भी पोर्टल है जिसका नाम क्या है भारत कोश पोर्टल टेक्निकली कॉल्ड नॉन टैक्स रिसिप पोर्टल तो उसका मतलब ये भी नहीं कि ये बा, ये बुक है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा या ऐसी कुछ बात कर रहे हैं दे आर नॉट इम्प्लाइंग दैट यहाँ पर नॉन टैक्स का मतलब यह है कि इधर इनकम टैक्स भरने का यह पोर्टल नहीं है इन दैट सेंस या जीएसटी भरने का यह पोर्टल नहीं उसके लिए अलग से जीएसटी एन पोर्टल अलग है तो हमने तीन डिपार्टमेंट देखे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टैक्स लेने का रेवेन्यू डिपार्टमेंट खर्च करने का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फिर चौथा डिपार्टमेंट जिससे आप पहले मिल चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो सब बैंकिंग जनरल और वो सब काम करता था तो वहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बैंक के सब चेयरमैन एम वो सबको इंटरव्यू लेकर सिलेक्ट करने की प्रक्रिया पब्लिक सेक्टर बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन बासलॉम के लिए पब्लिक सेक्टर के दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक दिस एल वगैरह एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की अलग अलग योजनाएं जो हम लोग आगे वन डी पिलर में पढ़ चुके हैं तो ये सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस देखता है फिर पांचवा डिपार्टमेंट है दीपम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट उसका वैसे काम है डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनियों में से सरकार अपने शेयर्स धीरे धीरे बेचे लेकिन 51% वन परसेंट शेयर होल्डिंग अपने पास रखे ऐसे ही जो गेम खेली जाती है उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट सेकेंड पिलर में आगे नेक्स्ट वीक हम उसको पढ़ेंगे बट ये सब काम देखने के लिए दीपम डिपार्टमेंट अब मित्रों ये पाँच डिपार्टमेंट है हर एक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होता है उसका रैंक होता है सेक्रेटरी एंड यूजुअली सेक्रेटरी कौन बनता है आई ऑफिसर तो आपके पास पांच आई ऑफिसर है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उसको वो डेजिग्नेशन देंगे कि तुम सीनियर मोस्ट हो तो तुम्हारा टाइटल होगा फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी बनने का मजा क्या है कि आप एक रुपए के नोट पर सिग्नेचर कर सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि क्वाइनेज एक्ट में ये सब बात है सो फाइव डिपार्टमेंट्स आर देर इसके अलावा एक छठा डिपार्टमेंट भी है जो कम जाना जाता है उसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जिसका बॉस होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लेकिन ये जो इंडिया एयरबुक है भारत सरकार की उसमें उन्होंने लिखा है पांच डिपार्टमेंट अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री तो एमसीक्यू में पूछा जाए तो सिर्फ पांच डिपार्टमेंट ही याद रखना ये जो सीएजी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वो शायद उसको इस हिसाब से अलग गिनते होंगे बट एनी तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है क्योंकि देर आर ओनली फाइव डिपार्टमेंट्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री का मतलब क्या डिपार्टमेंट का मतलब क्या स्टेचूटरी बॉडी का मतलब क्या ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या अटैच्ड ऑफिस क्या सबॉर्डिनेट ऑफिस क्या ये सब चीज़ मैंने पढ़ाई है वो असल में इकोनॉमी का हिस्सा नहीं प्लिटी गवर्नेंस ईयरबुक का हिस्सा बोल सकते ये वाले लिंक में जाओ अदरवाइज मेरी प्रोफाइल में जाओ उस पर अलग अलग कोर्स होते हैं तो वो ईयरबुक या ऐसा करके कुछ लिखा होगा एक दो वीडियो आप उसके देख लो तो पता चल जाएगा कि वॉट एग्जैक्टली इज मेंट बाय ऑल दिस वर्ड्स

आपका टाइमर शुरू होता है अब देभाशीष बलवीर गुरदिल ज्ञानदीप संदीप बानू नितेश, रितिश सोनल अक्षिता निकुंज तथागत नटराज साक्षी चंदन समीर ज्योति अर्पिता खुशी अमृत अमित प्रवीण स्वतंत्रता श्रेयांस नीलेश जितेंद्र दिगंत तुषार सत्यम शिवांगी आदर्श शिवम गरिमा अमन देवेंद्र विधि मुर्तजा गुलशन जसमित नवदीप सुभद्रा नरेंद्र जतिन, ये सब लोग फिर शुभम अपूर्व विक्रम आदर्श नवाजिश हरिओम नवदीप अमित अनिश आदित्य थ्री आउट ऑफ थ्री करेक्ट हाँ तो सही विधान पकड़ो भाई अब वैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनर ने बनाया तो क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा अच्छा रख सकते थे क्योंकि इसमें देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है और सभी आंसर कोड देखो पहले आंसर के अंदर सेकंड स्टेटमेंट दूसरे में सेकंड तीसरे में सेकंड और चौथे में सेकंड तो मतलब वो तो करेक्ट ही है पता चल गया तो फिर उसको रखने का मतलब क्या है तो वो मतलब थोड़ा पुअरली फ्रेम्ड एम सी क्यू ये है बट एनी वेज क्योंकि सब जगह कॉमन है तो आँख बंद करके भी बोल सकते ये तो करेक्ट ही होगा सो देन वाट अबाउट द अदर स्टेटमेंट्स पहला वाक्य जो बोलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट प्रेजेंट करता है या प्रिपेयर करता है दैट इज रॉन्ग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसका काम देखता है सो वन इज रॉन्ग तो यानी डी चला गया ए चला गया सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ बी हो सकता है या सी हो सकता है सो देन एवरी थिंग डाउन की थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि पब्लिक अकाउंट से खर्च करने के लिए भी पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए भाई पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए वो तो कल रात हमने पढ़ा था दैट इज मेन फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सो देर फॉर आंसर इज सी ओनली टू इज करेक्ट अब ये वाली चीज़ भी पढ़े तो कुछ बार प्रीवियस बैच में कुछ लोग मुझे ऐसा प्रश्न पूछने आ जाते हैं गूगल फॉर्म में कि फलाना एजुकेटर या प्राइवेट मॉक टेस्ट में तो ऐसा दिखा है कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देन व्हाई यू आर सेइंग दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भाई वो इकोनॉमिक चीज भारत सरकार की इंडिया ईयर बुक उसका चैप्टर थर्टीन फाइनेंस में स्पेसिफिक लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इंक्लूडिंग रेलवे बजट तो अल्टीमेटली वो जिम्मेदार हैं अब तो हमने याद रखना है सो दैट इज सफिशियंट फॉर द बेजिक इंट्रोडक्शन ऑफ बजट उसमें पॉलिटी वाले एंगल लक्ष्मीकांत से देख लेना पॉलिटी की क्लास में देख लेना मित्रों यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति टाइप का जनरल नॉलेज बहुत है जो अपने लिए काम करें फॉर एग्जाम्पल आजाद भारत का सबसे पहला बजट आर शनमुखम चेट्टी नाम के फाइनेंस मिनिस्टर ने 1947 में प्रेजेंट किया था किया होगा बट वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जनरल नॉलेज नहीं कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है मोरारजी देसाई ने दस बार पी चिदम्बरम ने आठ बार बट ऐसी टाइप की चीज़ें वो अपने लिए बहुत दिस टाइप ऑफ थिंग्स यूपीएससी डज नॉट गो इन सुपर रिलेटिव जिसको बोलते हैं हाइएस्ट बिगेस्ट टॉपेस्ट यूजअली ऐसे जी पूछते नहीं सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट अब एक एक करके पार्ट्स ऑफ बजट देख लें बजट के दो पार्ट होते हैं एक होता है रेवन्यू पार्ट दूसरा होता है कैपिटल पार्ट अब उनको ऐसा क्यों बोलते हैं वो आपको पता चलेगा जब रेवन्यू पार्ट पूरा ख़त्म होकर हम लोग कैपिटल पार्ट में जाएंगे खैर अभी के लिए क्योंकि एक रेवेन्यू पार्ट होता है उसमें भी दो चीज़ होंगी कुछ पैसा इनकम में आएगा मतलब रिसीव और कुछ पैसा खर्चे में जाएगा मतलब एक्सपेंडिचर जो पैसा रिसीप में आएगा उसके भी दो प्रकार हो सकते हैं टैक्स के रूप में आपने पैसा मांगा या रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आपने टिकट बेच के पैसा कमाए तो मतलब नॉन टैक्स वाला अगर हम बात करें रेवेन्यू और उसके अंदर रिसीप्ट मतलब इनकम उसके अंदर टैक्स में मिलने वाली इनकम तो उसके भी दो प्रकार हो सकते हैं एक तो डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं प्रत्यक्ष कर जैसे कॉरपोरेशन टैक्स इनकम टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या कुछ हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी परोक्ष कर जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी कस्टम ये सब लोग सो वी विल फर्स्ट बी फोकसिंग ये वाले वीक में हमारा फोकस इस तरफ रहेगा टैक्स हमने पढ़ने हैं यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम टैक्स के नाम पर देखेंगे डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसके क्या फ़ायदे हैं लेटेस्ट प्रोविजन क्या है फिर हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये जीएसटी वगैरह चीज़ें

सबसे पहले हम जाते हैं बजट का ये रेवेन्यू पार्ट उसके अंदर रिसीव मतलब इनकम और उसके अंदर टैक्स उसके अंदर हम देखें डायरेक्ट टैक्स अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक्स हमने देखने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें अंतर क्या है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं अच्छी कर व्यवस्था के सिद्धांत मतलब कैनन्स क्या है डायरेक्ट टैक्स के मेरिट डी क्या है टैक्स सेस और सरचार्ज किसको बोलते हैं सो वन बाय वन We'll look into these things, but Usse Pele, let us take a break for five minutes. सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है सपोज़ ये फैमिली कार खरीदना चाहती है तो मान लीजिए दस लाख की कार है और उसके ऊपर ट्वेंटी एट परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लगता है तो क्या ये फैमिली ने जो कार खरीदी उसमें जीएसटी उन्होंने गवर्नमेंट को सीधा जाके दे देना है ये लीजिए पैसा द आंसर इज नो ये जो फैमिली है वो कार खरीदने पर कार डीलर को ये भाई साहब को प्राइस प्लस ट्वेंटी एट परसेंट जी एस टी देगी वहाँ से फिर ये जी एस कार डीलर केंद्र सरकार को फोर्टीन परसेंट रकम दे देगा एज सेंट्रल जी एस टी और राज्य सरकार को बाकी की 14% परसेंट रकम दे देगा एज स्टेट जी एस टी सो लाइक दैट फैमिली ने खुद से टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करना उन्होंने कार सेलर को देना है और कार सेलर सरकार को दे रहा है तो क्या यहाँ पर हम जीएसटी की व्याख्या या अब इनडायरेक्ट टैक्स की व्याख्या ऐसे करेंगे कि शॉपिंग पे जो लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है द आंसर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसी चीज है जहां पर टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स का इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर नहीं है समझिए यहाँ पर इंसिडेंस मतलब कौन वो टैक्स सरकार में जमा कर रहा है द इंसिडेंस इज ऑन द कार डीलर ये महाशय सरकार में टैक्स की रकम दे रहे हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट किस पर है ये भाई साहब पर नहीं है असल में आपके पॉकेट से जा रहा है तो मतलब ये अगर मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं तो मिस्टर ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति हैं इसलिए उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीएसटी या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का इंसिडेंस ये सेलर ने सरकार में जमा किया बट अल्टीमेटली उसका रियल इम्पैक्ट किस पर है कार बायर पर ही फील्स द पर्टिकुलर पिंच और बर्डन की हाई हाई दस लाख की गाड़ी खरीदी थी उस पर ट्वेंटी एट परसेंट के हिसाब से इतना सारा तो टैक्स में चला गया सो देर फोर ही इज़ फीलिंग द इम्पैक्ट इंसिडेंस इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पर हैं ऐसे कर को हम बोलते हैं परोक्ष कर तो फिर प्रत्यक्ष कर क्या है या डायरेक्ट टैक्स क्या है कंसिडर द केस ऑफ इनकम टैक्स उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग स्लैब होते हैं लाइक फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट जितने आप ज्यादा अमीर हैं आपने ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा तो भारत सरकार और उसका ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब प्रश्न होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पढ़ा है नहीं वो किधर आया भाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो हमने पढ़ा उसके नीचे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो so, क्या इसका मतलब ये छठा डिपार्टमेंट है नो दे आर नॉट प्रेजेंटिंग द थिंग्स लाइक दैट इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सब कंपोनेंट समझना है यानी वे सो दे से इनकम टैक्स भरो तो ये मिस्टर ए हैं उन्होंने अपनी इनकम पर इनकम टैक्स भरना है सो द पॉइंट एट विच द टैक्स इज कलेक्टेड जिसको हम बोलते हैं टैक्स का इंसिडेंस वो ये इंडिविजुअल पर्सन पर है टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं असेसी या ये व्यक्ति जो कर दे रहा है उसने भरना है क्वेश्चन इसका असली बर्डन किस पर है द पॉइंट एट विच द बर्डन इज फेल्ट कौन इस पर हाई हाई करेगा हाई मेरा पैसा चला गया तो वो भी मिस्टर ए ही हाई हाई करेगा कि आया मेरा थर्टी परसेंट ऑफ माई इनकम इज गॉन इन द इनकम टैक्सिस कोई मुझे बचा लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को कोई टिप दे दो कि मैं कैसे टैक्स का पैसा बचाऊं तो इंसिडेंस पर भी यही आदमी और असली बर्डन बोझ भी उस पर ही पड़ा इसलिए हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स या ऐसा कोई भी टैक्स जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर में टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ता है वो उसको किसी और पर बोझ नहीं डाल सकता कि तुम मेरी जगह पर जाके भर दो या तुम्हारी जेब में से लाओ मैं भरता हूं नो अल्टीमेटली इट इज योर इनकम एंड यू हैव टू पे फॉर इट सो फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है हमने देख लिया और ऐसा करते करते हमारे हैंड की डबल सेंचुरी टू पेज भी हो गए ये टाइम किधर निकल जाता है पता भी नहीं चलता दोस्तों थोड़े ही हफ्तों में ये पूरी बैच भी खत्म हो जाएगी सो प्लीज भी वेरी पंक्चुअल ये तो चलते है रहता है रोज का काम रोज पढ़ाई करो ये डिफिकल्ट नहीं है बट ये आपसे सिंसियरिटी मांगता है कि रोज पढ़ता है सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर सेकेंड इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस जीएसटी जो कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है परोक्ष कर है सपोज बाइसिकल खरीदी उस पर ट्वेल्व परसेंट जी लगे तो फार्मर ने बाइसिकल खरीदी वो बाइसिकल सेलर को देगा प्राइस प्लस टैक्स का पैसा और वहां से गवर्नमेंट लेगी क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है अब मान लीजिए पाँच हजार रुपये की एटलास्ट बाइसिकल है तो ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से जीएसटी कितना लगेगा छः सौ अब समझिए ये गरीब आदमी या फार्मर है उसकी मंथली इनकम हो नाइन थाउजेंड तो उसका कितना हिस्सा टैक्स में जा रहा है उसमें से छ सौ टैक्स में जा रहे हैं जीएसटी में और बाकी आठ हजार चार सौ अब वैसे उसमें भी पांच हजार तो रकम वो दे रहा है एज प्राइस ऑफ द बाइसिकल बट वो सब में नहीं जा रहे कि पूरी रकम उसकी जो इनकम थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा छह सौ रुपए टैक्स में चला गया उसके सामने सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली है एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी मंथली इनकम मान लीजिए पंद्रह हजार रुपये पर मंथ है और वो भी यही वाली बाइसाइकिल खरीदे पांच हजार की जहां पर छे सौ रूपये टैक्स में गए तो उनके केस में छे सौ रुपये वो बड़ी रकम नहीं है क्योंकि उसके बाहर चौदाह हजार चार सौ रुपए अफकोर्स उसमें से साइकिल का खर्च भी गया बट टैक्स के नाम पर कितना पैसा गया तो इनकी आमदनी का प्रपोर्शनेटली अनुपात में कम पैसा गया कंपेयर टू की गरीब आदमी का तो बहुत ज्यादा पैसा चला गया तो प्रपोर्शनेटली मध्यम वर्ग की आमदनी का कम हिस्सा इस टैक्स में जा रहा है जबकि गरीब आदमी की आमदनी का ज्यादा पैसा इस टैक्स में जा रहा है इसलिए इसको बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्सेस ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं बाइसिकल देखो या बिस्किट या जिस पर भी जो जीएसटी लगे या ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स लगे उनको हम बोलते हैं रिग्रेसिव प्रकार के मतलब गरीब आदमी पर उसका बोझ ज्यादा पड़ता है थर्ड और आगे बढ़े हम लोग कोई रिच पर्सन जैसे मुकेश अंबानी मान लीजिए उसकी इनकम हर महीने पंद्रह लाख रुपये अब उससे भी ज़्यादा ही होगी बट वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये स्लाइड को भी चीर के बाहर निकल जाएगा दो तीन किलोमीटर तक तो उतनी मेरी मॉनिटर की स्पेस नहीं तो मैं छोटा ही दिखा रहा हूँ कि पंद्रह लाख उसकी मान लीजिए मंथली इनकम है और वो भी यही बाइसिकल खरीदता है पाँच हजार वाली तो कितना पैसा टैक्स में गया जीएसटी के नाम पर सिर्फ छः सौ तो वो तो उनके लिए समंदर की एक बूंद के बराबर ही है यहाँ पर भी हमको ये रेड लाइन मुश्किल से दिख रही है रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ तो यानी कि अगर हम लोग प्लॉट करें इसको ग्राफ में तो क्या पता चलता है गरीब अमीर आदमी का बहुत कम हिस्सा जा रहा है जीएसटी में मिडिल क्लास पुअर पीपल अमाउंट तो सेम ही है छह सौ रुपए ही गए बट प्रपोर्शनलीटली बोझ जो देखो लार्जर पोर्शन ऑफ अवर इनकम इज गॉन ऐसा गरीब आदमी बोल रहा है देर फॉर इनडायरेक्ट टैक्सीज आर रिग्रेसिव इन नेचर सो दैट इज वन पार्ट दूसरा है डायरेक्ट टैक्सी जैसे कि इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे लगता है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स उसमें आप पाएंगे कि गरीब आदमी पर तो नहीं लगता जीरो परसेंट मिडिल क्लास पे कि आपकी इनकम का फाइव परसेंट टैक्स में भरो इनकम टैक्स रिच पर्सन उसको बोलेंगे आपकी इनकम का थर्टी परसेंट इनकम टैक्स में दे दो तो यहाँ पर चीज़ क्या है गरीब आदमी पर कम बोझ है मतलब बोझ है ही नहीं मिडिल क्लास पर थोड़ा ज़्यादा है अमीर आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ है सो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस उसको हम क्या बोलेंगे रिग्रेसिव नहीं बोलेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्योंकि इसको ग्राफ में प्लॉट करें पर्सन तो उसकी इनकम का जीरो परसेंट गया मिडिल क्लास फैमिली सपोज पाँच लाख रुपये उसकी इनकम है तो उसमें से फाइव परसेंट जाएगा मतलब यहां मैं फाइव दिखाए बट असल में कितना पच्चीस हजार गया टैक्स में रिच पर्सन मान लीजिए दस लाख रुपये उसकी इनकम है तो उसका थर्टी परसेंट मतलब थ्री लाख रुपीज जाएंगे इनकम टैक्स में तो ये क्या है प्रपोर्शनेटली प्रपोर्शनेटली ये इधर देखो रेड कलर इतना इतना हो गया तो यानी अब अमीर आदमी ये बोल रहा है कि लार्जर पोर्शन ऑफ अवर इनकम इज गॉन इन टू दिस टैक्स कंपेयर्ड टू पुअर पीपल इसलिए ये जो डायरेक्ट टैक्स हैं दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर गरीब पर कम बोझे अमीर पर ज्यादा इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स है रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव सपोज कोई ऐसा देश हो जहां पर ऐसा नियम बनाए कि अमीर हो या गरीब सब पर एक रेट पर टैक्स लगेगा कि गरीब आदमी को भी टेन परसेंट इनकम टैक्स देना होगा मिडिल क्लास ने भी टेन परसेंट इनकम टैक्स देना होगा और रिच पर्सन ने भी टेन परसेंट इनकम टैक्स देना होगा अगर ऐसा डायरेक्ट टैक्स हम लोग बनाए तो उसे क्या कहेंगे वो प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव नहीं उसको हम बोलेंगे प्रपोर्शनेट अनुपाति हर आदमी की इनकम का एक समान अनुपात इसमें जा रहा है अगर हम प्रपोर्शनेटली बात करें या परसेंटेज में बात करें तो हमको लगेगा कि एक समान पैसा जा रहा है अफकोर्स एब्सोल्यूट फिगर में बात करो तो टेन परसेंट टेन परसेंट सेम लगता है बट एब्सोल्यूट फिगर में आप देखो कि ये अगर मिडिल क्लास पाँच लाख कमा रहा था तो उसका टेन परसेंट पचास हज़ार जाएगा रिच आदमी दस लाख कमा रहा था तो उसका एक लाख जाएगा तो उसमें फर्क हो सकता है बट परसेंटेज के हिसाब से दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट जा रहा है तो क्या हमने ऐसी सिस्टम नहीं रखनी चाहिए प्रोपोर्शनल सिस्टम बहुत अच्छी दिखती है द आंसर इज नो क्योंकि यहाँ पर देखिए मुकेश अंबानी कितना पे कर रहे हैं दस लाख के अंदर सिर्फ एक लाख रुपये वो टैक्स में दे रहे हैं इसकी जो हमने सिस्टम देखी ये वाली डायरेक्ट टैक्स के अंदर कि जीरो फाइव परसेंट देन थर्टी यहाँ पर मुकेश अंबानी तीन लाख पे कर रहे थे तो सरकार को ये वाली सिस्टम में ज्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू की ऐसी प्रोपोर्शनल सिस्टम लेकर आए कि सब लोगों ने दस परसेंट इनकम टैक्स देना होगा तो गवर्नमेंट को असल में स्कीम चलाने के लिए फिर पैसा कम पड़ जाएगा इसलिए ये तार्किक या प्रैक्टिकेबल नहीं है कमिंग बैक डायरेक्ट टैक्सेस हमने देखा गरीब आदमी पर मान लीजिए गरीब पर तो जीरो है लोअर मिडिल क्लास पर समझिए फाइव परसेंट मिडल क्लास पर टेन परसेंट अपर मिडिल क्लास पर फिफ्टीन रिच पर्सन पर ट्वेंटी उससे भी सुपर रिच पर्सन तो थर्टी अगर ऐसा चलते रहे तो इसे हम क्या बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स कि अमीर आदमी का ज़्यादा हिस्सा उसमें टैक्स में जा रहा है लेकिन अगर कोई ऐसी सिस्टम हो जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास पर फाइव परसेंट लगे मिडिल क्लास पर टेन परसेंट लगे अपर मिडिल क्लास पर टेन परसेंट लगे रिच पर्सन पर टेन परसेंट सुपर रिच पर भी टेन परसेंट तो ये क्या हो रहा है ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बढ़ नहीं रहा है ये ग्राफ थोड़ा ही बढ़ा है इधर तक और फिर तो सेम टू सेम सब पे लग रहा है ऐसा जो टैक्स होता है उसे क्या कहेंगे वो डायरेक्ट टैक्स बराबर इनकम टैक्स का कंसेप्ट ही चल रहा है लेकिन ये जो ऐसी प्रक्रिया हो गई कि बोझ कितना आ जा रहा है तो उस हिसाब से उसको बोलेंगे तो डिग्रेसिव डिग्रेसिव तो गरीब पर कम अमीर पर ज्यादा बट एक हद के बाद वो प्रोपोर्शनल टैक्स हो जाता है मतलब हर एक पर टेन परसेंट टेन परसेंट मिडल क्लास अपर मिडिल क्लास रिच पर्सन सो इफ अर डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज टू अ पॉइंट और उसके बाद वो यूनिफॉर्म रेट चार्ज करना शुरू करे तो उसको बोलते हैं डिग्रेसिव या टैक्स अब उससे ज्यादा इसमें और ज्यादा नींद खोने की जरूरत नहीं है टर्म टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमने पढ़ना था यार इसलिए पढ़ लिया बाकी जहां तक एमसीक्यू की बात है तो पूछा जाए इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स जब तक प्रोग्रेसिव ऐसा टर्म है तो प्रोग्रेसिव को टिक कर देना है इसके अलावा और भी ज्यादा कंसेप्ट है टैक्स इलास्टिसिटी लाफेर का टैक्स टू जीडीपी वो सब भी पढ़ेंगे बट पिलर टू बी ब्लैक मनी के अंदर यहां से प्रश्न कैसे होते हैं जैसे सी डी एस टू थाउंडीन में यूपीएससी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या गरीब पर कम लगे और रिच पर्सन पर ज्यादा लगे बराबर जैसे इनकम टैक्स तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स तो ऑप्शन ए टैक्स इज द सेम अक्रॉस ऑल द इनकम नहीं तो तो प्रोपोर्शनल अनुपाती टैक्स बोलेंगे जब टैक्स रेट बढ़ता है आपकी इनकम जैसे बढ़ती है उस हिसाब से हाँ वही चीज बराबर है गरीब पर कम रिच पर ज्यादा तो उस हिसाब से फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट लगे आंसर सो वी आर फिनिश्ड विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मतलब अच्छे कराधान के सिद्धांत उसके अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की बात करेंगे अब ऐसा करते करते दोस्तों हम लोग पेज 201 पर पहुंच गए वहाँ पर एक टेबल दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के ये 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 डायरेक्ट टैक्स है ये चीज़ हम लोग आज नहीं देख रहे हैं जब हम डायरेक्ट टैक्स सभी पढ़ लेंगे इनकम टैक्स कॉरपोरेशन वगैरह उसके बाद वापस आएंगे सो वेट एंड वॉच तो फिर प्रश्न होता है तो अगर अभी नहीं पढ़ना है तो ये वाला इधर क्यों दिया है उसके बाद ये सब चीज क्योंकि रिवीजन के लिए दिया गया है एट दैट टाइम इट इज अज्यूम कि आप वो सब चीज़ पढ़ चुके हैं तो आप उसको सीक्वेंस में देख पाएंगे खैर टॉपिक ये है एडम स्मिथ एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी एक किताब वेल्थ ऑफ नेशन के लिए मशहूर हैं उन्होंने बात करी कि कोई भी अच्छी टैक्सेशन सिस्टम के चार कैनन्स है ये देखो सी ए एन कराधान के चार अच्छे सिद्धांत ये सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं पहला कैनन ऑफ इक्वालिटी मतलब टैक्स शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द इनकम इन द सेंस दैट गरीब पर कम लगना चाहिए अमीर पर ज्यादा लगना चाहिए ताकि समानता फिर दुनिया में आ सकेगी अमीर के टैक्स का पैसा गरीब कल्याण में हम लोग लगाएं सो दिस इज फर्स्ट रूल और सिद्धांत की ऐसा होना चाहिए इक्वालिटी गरीब पर कम अमीर पे ज्यादा सेकंड कैनन ऑफ सर्टेनिटी मतलब कौन सी तारीख को टैक्स भरना है कोई फिक्स होना चाहिए कि इकतीस मार्च को भरना है कितना टैक्स भरना है फिक्स होना चाहिए मान लीजिए कि फाइव परसेंट भरना है सो देर शुड बी सर्टेनिटी अबाउट द डेडलाइन एंड रेट्स रैंडमली गवर्नमेंट ने रात को उनको सपना आ जाए कि हमको अब कोई स्टैचू मूर्ति बनानी है कोई मंदिर बनाना है कोई मस्जिद बनाना है इसलिए हमको टैक्स में पैसा दो ऐसा नहीं होना चाहिए देर शुड बी सम सर्टेनिटी अबाउट रेट्स एंड डेड लाइन एडम स्मिथ का ये कहना था कि जो राजा या सरकार ऐसे सिद्धांतों को नहीं मानेगी तो अल्टीमेटली या तो पब्लिक उसके सामने रिबेलियन बगावत कर देगी या फिर कि वो अल्टीमेटली उसने ही थक के उस सिस्टम को बंद करना होगा सो देरफोर कैनन ऑफ सर्टेन इट इज रिक्वायर्ड रैंडमली सपना आ जाए और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए अब टैक्स दे दो और इकतीस मार्च को बोला था नहीं अभी के अभी दो ये सब नहीं चलेगा थर्ड कैनन तीसरा सिद्धांत है कैनन ऑफ कन्वीनियंस सुगमता होनी चाहिए सहूलियत होनी चाहिए किसको टैक्स भरने वाले को अगर उसको लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़े उसको पचास पेजिस का फॉर्म भरना पड़े तो फिर भले वो टैक्स भरना चाहता होगा बट भरेगा नहीं कि कौन करा रहे कौन फॉर्म भरे तो अगर कन्वीनियंस नहीं होगा तो पब्लिक टैक्स भरने में दे विल बिकम लेजी दे विल अवॉइड इट वो ब्लैक मनी की सिस्टम में चले जाएंगे सो देर फोर वी शुड एंश्योर की कन्वीनियंस हो चौथा और आखिरी सिद्धांत कैनन ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी मतलब यहाँ पर कि खर्च कम होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम मान लीजिए सौ करोड़ का टैक्स सरकार वसूले लेकिन उसमें से नाइन्टी करोड़ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी में ही उसको देना पड़े तो सरकार के हिस्से में तो दस करोड़ आया तो ये तो मतलब कोई एफिशिएंट सिस्टम नहीं है इन एफिशियंट सिस्टम यानी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी मिनिमम वो कैसे हो सकता है कॉम्प्यूटराइजेशन सिस्टम करो और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये सब की मदद मतलब से सर्वेलेंस करो ताकि कम लोगों को एम्प्लॉय करना पड़े और पब्लिक को भी थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा ऑनलाइन टैक्स भरे और कैन ऑफ इकोनॉमी सरकार ने भी इंस्पेक्टर कम हायर करने पड़ेंगे तो ऐसा जब मॉडर्न करते जाएंगे करते जाएंगे तो एडम स्मिथ की सभी कैनन सिद्धांत भी पालन होंगे और अच्छा काम भी होगा ये सब में से यूपीएससी सी डी में प्रश्न पूछा फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन इट होल्ड्स दैट अमाउंट ऑफ टैक्सिस पीपल पे शुड रिलेट टू देर इनकम और वेल्थ पैसा भरने का सिद्धांत यह कहता है कि आपकी जितनी आमदनी या जितना आपके पास मिल्कत है उस हिसाब से टैक्स भरना चाहिए अब ये तो मैंने आपको कुछ पढ़ा है नहीं बट रियल एग्जाम में भी ऐसे बॉम्ब फूट सकते हैं तो या तो दिमाग लगाओ या स्कीप करो दैट इज फॉर यू सेकेंड स्टेटमेंट द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल शुड भी टैक्सड इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्राम द गवर्मेंट प्रोग्राम्स फायदे का सिद्धांत यह कहता है कि जो पब्लिक को जिस हिसाब से सरकार से मदद मिल रही है उस हिसाब से उन्होंने टैक्स उसके अनुपात में मदद के हिसाब से भरना चाहिए थर्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टैक्स लार्जर टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज देन फ्राम रिच फैमिली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर गरीब का ज्यादा पैसा जाता है अमीर का कम पैसा जाता है फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड टू कलेक्ट टैक्सिस कर आसानी से और सस्ते में हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं आंसर कोड्स ओनली वन एंड थ्री ओनली टू एंड फोर ओनली वन टू एंड फोर या डी ऑप्शन ऑल फोर करेक्ट आपका टाइमर शुरू होता है अब सौम्यदीप दिगंत स्वाति कुमार गौरव नितिशा अपूर्व आरजे सुरभी कुलशन प्रबलीन सोनू अभिषेक दीपाली धर्मेंद्र यूज़र गौरव थॉमस शिवाली श्रीनिधि वैशाली दिवाकर बालाजी सत्यम तथागत मुर्तजा आदित्य आयुष ये सब लोग फिर आदर्श अपूर्व विक्रम नवाजिश नवदीप मुर्तजा अनिश नरेंदर संजीव कुलदीप एन अदर्स फोर आउट ऑफ फोर राइट हाँ तो ये कुछ मतलब एडम स्मिथ के सिद्धांत तो हमने समझे ये तो उससे बाहर का ही पूछ लिया गया रियल एग्जाम में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ प्रश्न होंगे हमने कभी सुना ही नहीं बट बॉम्ब फूट जाता है सो आई दर यू कैन स्कीप देम या कुछ फिफ्टी फिफ्टी करके कोशिश करो इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखो प्रोग्रेसिव टैक्स विल टेक अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम द पुअर फैमिली देन रिच फैमिली ये तो कैसे संभव है अभी हमने देखा कि इनकम टैक्स वो एक प्रकार का प्रोग्रेसिव टैक्स है जहाँ पर मुकेश अंबानी की इनकम का ज्यादा पैसा आ जाता है गरीब आदमी को तो माफी है जीरो परसेंट टैक्स तो यानी कि फाइन करेक्ट स्टेटमेंट में ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है तो जहाँ पर भी देखिए एलिमिनेट करो तो ए और डी हो नहीं सकता तो ना वी आर एट द फिफ्टी फिफ्टी स्टेज की सी और बी में से कुछ हो सकता है अब दोनों ही जगह पर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमने उनको आंख बन करके मान लेना है कि करेक्ट ही है कि बेनिफिट प्रिंसिपल वो ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए अब वो क्या सिद्धांत है वो मैंने आपको नहीं समझाएगा और मैं समझाऊंगा भी नहीं उसका कारण ये है कि हर चीज़ छोटी छोटी पढ़ने गए उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इफ़ यू डू सम गूगल सर्च तो एडम स्मिथ तो भगवान है तो उसके तो चार सिद्धांत हमको पता होना चाहिए बट उसके अलावा भी अलग अलग इकोनॉमिक्स ने छह सिद्धांत दिए हैं ने अठारह सिद्धांत भी दिए हैं तो वो सब करने के तो चौपन सिद्धांत अगर इसके ही पढ़ने बैठे और उसमें से एक जब आप टिक हो जाए तो वो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से अगर आप उसके अलावा वाले ईयर्स देखें तो बहुत आसान पूछा या नहीं पूछा, या नहीं पूछा है कॉस्ट बेनिफिट नहीं तो देर फोर नो पॉइंट इन गोइंग देर चौथा स्टेटमेंट भी हमने मानना है करेक्ट है वो कैसे करेक्ट है वो जीएसटी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कलेक्ट करने में चीप कैसे सो एवरीथिंग थिंग वॉज डाउन की वेदर द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इज करेक्ट और नॉट तो फर्स्ट स्टेटमेंट हाँ वो भी सही है अगर हम लोग ज़्यादा गूगल सर्च करें विकीपीडिया देखें वगैरह द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स पीपल पे शुड रिलेट टू देर इनकम और वेल्थ मतलब जो आदमी जितना ज़्यादा टैक्स में दे सके उस हिसाब से लो तो मुकेश अंबानी स्वाभाविक है थोड़ा ज़्यादा पैसा दे सकता है तो उससे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए गरीब से कम टैक्स लेना चाहिए एडम्स बीथ ने जो बात करी वो मिलती जुलती है लेकिन ये सारे सिद्धांत हमने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये दूसरे लो प्रोफाइल छोटे टाइप के सब लोगों ने बनाई थी तो यो यो हनी सिंह का रैप सॉन्ग हमको पता होना चाहिए बट फिर कोई फालतू वाला दूसरा रैपर है तो उसके भी सॉन्ग करने गए नॉट रिक्वायर्ड एडम स्मिथ की पता होनी चाहिए सबके सिद्धांत पढ़ने बैठे तो तीन चार पत्ते इसी के आ जाएंगे नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं तो या तो इसको टिक करो या इसको स्किप कर देना चाहिए वैसे टिक करना चाहिए क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स तो कंपलसरी हमको पता होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमने यहां तक तो पहुंचे थे बी या सी तो कुछ आँख बंद करके टिक करना था स्किप तो नहीं करना चाहिए सो वी आर डन विट कैन ऑफ टैक्सेशन अब चौथा टॉपिक है दैट इज मेरिट्स एंड डी ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस फायदे और नुकसान सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के फायदे जैसे इनकम टैक्स तो वो क्या है गरीब आदमी पर जीरो मिडिल क्लास पर फाइव परसेंट फिर ट्वेंटी परसेंट रिच पर थर्टी परसेंट ऐसा कुछ हम लोग बनाते जाएं तो इट इज़ प्रोग्रेसिव मतलब समानुपाती है अमीर आदमी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लेते हैं और वो सारा पैसा हम लोग गरीब कल्याण में यूज करें तो आय की असमानता इनकम इन को कम कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स का फायदा हो गया सेकंड हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सरकार आपको कहेगी कि आप अपनी इनकम में जैसे सपोज 1.5 लाख रुपीस एल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन सिस्टम इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो इनकम टैक्स में हम आपको कुछ माफ़ी दे देंगे डिडक्शन एग्जाम्शन ऐसा कुछ करेंगे तो पब्लिक स्वाभाविक है उनको लाभ लेना है इनकम टैक्स कम भरना है तो वो सेव करेंगे पैसा सो इट एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एल को ऐसी सब पैसा जो मिल गया वो फिर जाकर कॉरपोरेट सेक्टर में उनके शेयर बांड में इन्वेस्ट करेगी तो इकोनॉमी ग्रो कर सकती सो इट हेल्प्स देर इज इलास्टिसिटी लचीलापन है सपोज अपना स्लैब हो 5% इनकम टैक्स बढ़ना है उसको बढ़ा के कर दो 10% तो उस हिसाब से एब्सोल्यूट फिगर में कितनी ज्यादा रकम आ जाएगी और थोड़ा कम करोगे तो कितनी कम आ जाएगी वो सब कैलकुलेशन करके वी कैन अचीव क्विक रिजल्ट्स जब इसको थोड़ा भी बढ़ाते या कम करते देयर इज सर्टेनिटी मतलब कब बढ़ना है चलिए 31 मार्च को कैसे भरना है ऑफलाइन भी भर सकते हैं ऑनलाइन भी उनका पोर्टल है कितना भरना है सपोज फाइव परसेंट तो यहाँ पर सब सर्टेनिटी है किधर सो दैट इज़ द मेरिट या बेनिफिट उसका है हम लोग फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी हो मतलब एक डॉलर का प्राइस मान लीजिए आज सिक्सटी रुपए है कल सेवेंटी रुपए हो जाए फिर एटी रुपए फिर वापस दस रुपये हो जाए तो ऐसा अप डाउन अगर बहुत क्विकली होगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कोई ढंग से बिजनेस स्ट्रेटेजी बना नहीं पाएगा तो अगर उन्हें ऐसी वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी को कम करना है तो एक टॉबिन टैक्स प्रकार का डायरेक्ट टैक्स अगर हम लगाएं तो बच सकते हैं वो कैसे वो फ्यूचर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बट अभी के लिए समझो कि ये भी उसका एक मेरिट या फायदा है डायरेक्ट टैक्स का फिर ये चीज़ देखिए वैसे अब नया नाम तो है चेन्नई बट उसकी हाईकोर्ट का नाम वो पुराना ही यूज़ करते हैं मद्रास हाईकोर्ट तो मद्रास हाईकोर्ट में किसी सिटीजन ने पीआईएल डाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने न्यू सेक्रेटेरिएट नया सचिवालय भवन बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो कि असल में टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है क्योंकि पुराना जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग था और सचिवालय भवन वो बेहतर ही था उसमें नया बनाकर ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं थी और फिर मद्रास हाईकोर्ट ने भी माना कि इट इज अ नेशनल वेस्ट तो सरकार को बोला इसको रोको तो इसमें डायरेक्ट टैक्स का क्या रोल है अब समझिए दोस्तों आपको अगर बोला जाए कि आपकी इनकम का फाइव परसेंट या ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट टैक्स में देना है तो आपको सीधा चुभता है कि मेरी जितनी सैलरी उसमें से इतना पैसा चला गया सो यू बिकम मोर सिविक कॉन्शियस में नागरिक चेतना आती है कि मैं ये सब टैक्स भर रहा हूँ सड़क में खड्डे क्यों हैं सरकार मूर्तियों में और इसमें पैसा क्यों बर्बाद कर रही है तो ऐसा सिटीजन वो अपनी नागरिक चेतना में जाकर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कुछ पीआईएल डाल सकता है एंड देन द गवर्नमेंट विल आल्सो बी फोर्स टू आंसर देयर और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको कुछ रोकेगी अभी रिसेंट न्यूज में ये भी चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सब न्यूज में ऐड दिया कि हमारे सपोज 92 परसेंट या इतने बच्चे बोर्ड की परीक्षा में पास हुए तो ऐसा पेज भर भर के आपने जो विज्ञापन दिया तो टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है तो ये सब क्यों पूछा होगा क्योंकि उससे कुछ सालों पहले लोगों ने कुछ फरियाद करी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ माना होगा कि यहाँ ऐसा खट नहीं करना सो इट प्रमोट द सिविक्स कॉन्शियसनेस सिटीजन डायरेक्टली फील द पिंच ऑफ इट तो ये भी डायरेक्ट टैक्स का एक मेरिट है आपको अच्छा नागरिक बनाना वो काम है उसका नव समीमेरिट्स नुकसान क्या है अगर मैं ये कहूं कि गरीब आदमी पर जीरो टैक्स और फिर फाइव परसेंट और ट्वेंटी थर्टी ऐसा स्लैब चलाने की जगह ऐसा नहीं करना चाहिए कि गरीब आदमी पर भी कम से कम वन परसेंट टैक्स मांगो तो सरकार को कितनी सारी आमदनी होगी क्योंकि इतनी सारी पब्लिक गरीब है कि ऐसा नहीं कर सकते द आंसर इज नो क्योंकि एडम स्मिथ की आखिरी कैनन याद करो कैनन ऑफ इकोनॉमी कैन ऑफ इकोनॉमी क्या कहती थी सौ करोड़ कमाने के चक्कर में नब्बे करोड़ अगर आप स्टाफ को सैलरी में दे रहे हो तो वो कोई ठीक बात नहीं तो कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसिव क्योंकि उसमें आपने इनकम टैक्स का स्टाफ उसको सैलरी डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर का खर्चा इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोलते कभी कि सपोज कोई गरीब आदमी है जिसका वन लैख रुपीज वो पूरे साल में कमाता है उसका हम वन परसेंट इनकम टैक्स में दे दे ऐसा हम लोग नहीं बोलते अगर ऐसा बोलते तो सपोज हम पिरामिड बनाए तो गरीब लोग तो इतने सारे हैं राइट ऊपर मुकेश अंबानी रतन टाटा महिंद्रा ये तो कम लोग हैं तो पिरामिड के अंदर ये जो बॉटम पोर्शन में लोग हैं इनसे हम लोग वन परसेंट टैक्स क्यों नहीं मांगते क्योंकि वो वन परसेंट टैक्स मांगने के लिए जितने स्टाफ को रखना पड़ेगा आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को उनकी सैलरी देने में इट विल बी अ लॉस मेकिंग टाइप ऑफ प्रोपोजिशन इसलिए सरकार इनसे कुछ मांगती थी तुमको छोड़ दिया जीरो परसेंट तो ये जो अपना पिरामिड है उसकी चौड़ाई क्या है इतनी मोटी नहीं है नैरो मिडिल क्लास वाले लोग जो इधर होंगे उनको बोला जाएगा आप थोड़ा बढ़िए ऊपर रिच पीपल को बोला आप इसको फाइव परसेंट बोला उसको थर्टी परसेंट लाइक दैट इट गोस बिकॉज द कलेक्शन इज एक्सपेंसिव इसलिए नीचे गरीबों को छोड़ दिया जाता है दैट इज अ चैलेंज मर्यादा है उसकी अनदर चैलेंजेस

एनुअल इनकम तीन लाख तो गए और, पर, पर और वो लैंड लॉर्ड की तरह बस पूरा दिन सोते रहता है और उसके किराएदार उसको जो पैसा देते हैं उससे उसने तीन लाख रुपए इनकम हो रही तो उसकी तो सौ कैलरी भी मुश्किल से पूरे दिन में जलती होगी फिर फिर भी उसने कितना टैक्स बनाया इसने भी फाइव उसने भी फाइव तो आप कितनी मेहनत करके कितना दिल जलाकर कितना शरीर बर्बाद करके पैसा कमाया सरकार नहीं देखती टैक्स मांगती तो ये डायरेक्ट टैक्स की डिमेरिट है अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए कारपेंटर बहुत मजदूरी कर रहा है उससे वन परसेंट मांगो ये आदमी सो रहा है इस पर टेन परसेंट मांगो नॉट लाइक दैट इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है एक्सटर्नैलिटी यानी कि बाह्यता सपोज अक्षय कुमार हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है मतलब वो सिगरेट की एडवरटाइजमेंट कर रहा है तो सिगरेट कंपनी उसका मालिक खुश होगा यस अक्षय कुमार खुश होगा यस क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल रहा है तो ये दो पार्टियां तो खुश हैं लेकिन जो आदमी सिगरेट पिएगा उसके चलते उसके आसपास जो लोग जो कि सिगरेट नहीं पी रहे उनको भी पैसिव स्मोकिंग के नाम पर उनके फेफड़ों में लंग्स में वो स्मोक जाएगा उनको भी तकलीफ होगी हो, हो सकता है उनको भी कैंसर हो जाए सो अनरिलेटेड पार्टीज आर हार्मड बाय दिस पैसिव स्मोकिंग। रिलेटेड पार्टी तो दो थी सिगरेट कंपनी एन उसका प्रचारक सेलिब्रिटी अक्षय कुमार वो तो हैप्पी है बट ये थर्ड वाली पार्टी अनहैप्पी हो गई जिसका कोई लेन देन था ही नहीं पूरी गेम में तो ये बाह्यता एक्सटर्नैलिटी है और कैसी क्योंकि आदमी दुखी है तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सो so, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब अनरिलेटेड पार्टी पर थर्ड पार्टी पर जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है खैर मान लीजिए ऐसा करके अक्षय कुमार दस लाख रुपए कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा सपोज थर्टी परसेंट सो थर्टी परसेंट इनकम टैक्स ऑन फिल्म स्टार फॉर हिज इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स एंड लिकर एंड अदर थिंग्स उसके सामने सपोज एक बुक पब्लिशर है जो कि एक बुक लिखता है बच्चों के लिए जिसमें लिखा हो कि वी शुड रिस्पेक्ट वीमेन वी शुड नॉट बिलीव इन बाबा राम रहीम टाइप ऑफ एलिमेंट्स तो उसको ये बुक बेचकर जितनी रॉयल्टी मिली वो उसकी इनकम है इनकम पर कितना टैक्स लगेगा सपोज़ वो भी दस पंद्रह लाख कमा रहा है उस पर उसको थर्टी परसेंट इनकम टैक्स देना होगा अब इस केस पे ये दो बच्चे बुक पढ़ रहे हैं और पब्लिशर को पैसा मिला है सो देआर हैप्पी यहाँ पर अनरिलेटेड पार्टी कौन है देश की महिलाएं जिनका वैसे सीधे सीधा इस बुक सपोज उन्होंने पढ़ी नहीं खरीदी नहीं कुछ लेन देन नहीं बट स्टिल दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड क्योंकि ये बच्चे भविष्य में महिलाओं का सम्मान करेंगे सो वुमेन एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी तो ये क्या हुआ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी थर्ड पार्टी को अनरिलेटेड थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट हुआ बट पॉजिटिवली लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचें ये बुक ऑथर इतनी सब महिला सम्मान की बात करता है इनकम पर थर्टी परसेंट इनकम टैक्स और अक्षय कुमार जिन्होंने सिर्फ सिगरेट का प्रचार किया तो लेखक महाशय ने क्या उखाड़ लिया इनकम टैक्स तो मैं भी थर्टी परसेंट ही देता हूँ उनको भी थर्टी परसेंट ही देना है यानी कि डायरेक्ट टैक्स में एक्सटर्नैलिटी को काउंट नहीं करते ये इसकी मर्यादा है कि आप बहुत अच्छा काम करके भी पैसा कमा के लाए या ऐसा कुछ तमाशबाजी करके भी नुकसान करके भी समाज को बर्बाद करके भी पैसा कमाते हो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स अदरवाइज क्या होना चाहिए इस पर कम होना चाहिए टेन परसेंट और इस पर फिफ्टी परसेंट होना चाहिए बट ऐसा नहीं है सो डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस एक्सटर्नलिटीज इज नॉट काउंटेड इरिस्पेक्टिव कि आप किताब लिख के या सिगरेट बेच के पैसा कमाते हो डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज क्वान्टिटी के हिसाब से रिच पर्सन पर थर्टी लगना है तो लगेगा

फॉरन इन्वेस्टमेंट भी ऐसे देश में कम आता है क्योंकि फॉरिन इन्वेस्टर भी फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट वाला पैसा कब डालेगा उसको लगे कि भारत का मिडल क्लास बहुत पैसा खर्च करने वाला है बट आपका टैक्स में ही पैसा सब जा रहा है तो खर्च कब होगा सो हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दे डू नॉट ये उससे ये सब समस्या आती है तो डीज आर डीमेरिट्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर दे आर प्रोन टू लिटिगेशन लुप होल्ड टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस मतलब यहाँ पर कर चोरी मुकदमेबाजी ये सब बहुत तमाशे चलते हैं जिसके बारे में हम लोग पिलर टू भी ब्लैक मनी में आगे पढ़ेंगे सो दीज आर द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये पढ़े क्यों बिकॉज दिस थिंग्स आर गिवन इन द बुक सो वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर एम सी क्यूज तो हमने पेज टू जीरो टू तक काम किया उसके बाद भी पढ़ना है बट आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी चीज़ें हम लोग कल रात कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो आपका होमवर्क है ये पेज टू जीरो टू में यहाँ तक मतलब टैक्स सेस और सरचार पढ़ना बाकी वो कल हम लोग पढ़ेंगे बट बाकी की चीज़ें पढ़ के याद करके रखना एंड वी विल सी टुमारो द क्लास ईयर आज इंटरनेट के चलते जो जो रुकावट हुई उसके लिए खेद हैं बट बारिश में चलते रहता है